फॉर्मिक वाला जो आपका फोल्डर है ना, इसका मैं तमाम कोड गिटहब में पुश कर रहा हूँ। और अब हम करते हैं यहाँ पे कि फ़ोटो कैसे अपलोड होगी आपके पोस्ट के साथ, क्योंकि हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया है, हमने अभी तक ये सीख लिया है, फॉर्मिक पढ़ लिया हमने लास्ट क्लास में, जो अभी लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा, हमने ये सीख लिया है कि फॉर्म बनेगा कैसे रिएक्ट के अंदर, फॉर्मिक का हुक लगा के उस पर वैलिडेशन वगैरह कैसे लगेगी, ठीक है, वैलिडेशन हमने देख ली थी। डेटा फायरबेस के डेटाबेस में कैसे जाएगा, वहाँ से वापस कैसे आएगा और वापस आके स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे होगा। अब इसके अंदर अगर फेसबुक जैसी या ट्विटर जैसी या OLX की जैसी कोई ऐप बनानी है तो इसमें अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि फ़ोटो इसमें कैसे इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो फ़ोटो का हम आज देख लेते हैं क्या चक्कर है। फ़ोटो के लिए हम यूज़ करेंगे क्लाउडनरी। अच्छा, क्लाउडनरी जो है वो स्टोरेज बकेट नहीं है, या है भी काइंड ऑफ, ये सिर्फ फ़ोटो के लिए बना हुआ है। मैं इस पर लॉगिन कर लेता हूँ, आप सब लोग साइनअप करेंगे, मेरा पहले से क्योंकि अकाउंट बना हुआ है इस पर, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है जी, जब आप इस पर लॉगिन करेंगे ना तो कुछ इस तरह की आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही होगी, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे ना मीडिया लाइब्रेरी में आप जाएंगे, ऊपर देखो मीडिया लाइब्रेरी लिखा हुआ, यहाँ पे जाके मैं कोई भी पिक्चर इस पर अपलोड कर सकता हूँ। ये अपलोड का बटन छोटा सा आ रहा है कोने में, यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर अपलोड कर सकता हूँ। मैंने अपलोड का बटन दबाया, ब्राउज़ के बटन पर गया, और ब्राउज़ के बटन पर जाने के बाद मैंने एक यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट की, या ये फ़ोटो सेलेक्ट की मैंने कोई एक, और मैंने यहाँ से अपलोड कर दी ये फ़ोटो, राइट। जैसे ये फ़ोटो अपलोड कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे मुझे देखो वो फ़ोटो बनी भी आ गई इधर। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा इस फ़ोटो पे, क्या बकवास है, क्लिक नहीं हो रहा इस पर, पता नहीं। अच्छा, डबल क्लिक होगा, एक मिनट, कैसे हुआ ये, डबल क्लिक हुआ, हाँ डबल क्लिक हुआ। अच्छा, डबल क्लिक मैंने कर दिया इसके ऊपर, तो डबल क्लिक करने के बाद मुझे ये क्या दिखा रहा है ऑप्शन, एक छोटा सा कॉपी URL का ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। कॉपी URL करके जब मैं इसको नए टैब में ओपन करूँगा ना तो ये एज अ इमेज ओपन होगा, ये देख रहे हो इस URL को, जैसा गूगल इमेजेस से हम कॉपी करते थे, ये सेम वही URL है, वो तो एक्सपायर हो जाता है ना, ये एक्सपायर नहीं होगा, ये जब तक एक्सपायर नहीं होगा जब तक आपका क्लाउडनरी का अकाउंट एक्सपायर नहीं होता, ठीक है, फ्री क्योंकि उसमें कोटा है ना थोड़ा सा, वो ख़त्म हो जाता है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस URL को कट करूँगा, जो URL मिल गया मुझे। अब ये URL मैं अपने React की ऐप में, जैसे ये मेरे पास एक React की बनी हुई ऐप है, इसमें मैं कहीं पे भी इसको रेंडर करवा सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल टॉप पे ना IMG लगाओ और सोर्स के अंदर ये पेस्ट कर दो, सही है, SRC में मैंने ये पेस्ट कर दिया, हो गया मेरा काम। मैं इधर आया अपनी ऐप पे, तो ये देखो मेरी ऐप में ना मुझे सबसे पहले यही दिख रहा है, असल में ये फ़ोटो बिल्कुल वाइट है ना तो फील नहीं हो रहा उस तरह से। एक काम करता हूँ, मेरे पास पहले से भी एक फ़ोटो है जो कि मेरी प्रोफाइल फ़ोटो है, डबल क्लिक करके मैं इसका URL कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसका URL कॉपी कर लिया ताकि ये दिखे मुझे प्रॉपरली, सही है। मैंने दूसरी इमेज का URL लगा दिया तो कुछ इस तरह से मुझे दिखना शुरू हो गया, राइट, मेरे ऐप के टॉप के ऊपर ये वो हो गया, प्रिंट हो गया। मैंने कहा भाई इसकी जो विड्थ है वो हो जाए 100 पिक्सल, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी इमेज दिखाई है तो बिल्कुल छोटी सी दिखा दी इसमें, ये इमेज यहाँ डिस्प्ले हो गई, गुड। हाँ, अपलोड वाला ना प्रोग्रामेटिकली, अभी वो करते हैं ना, पहले इसको समझ तो लो क्लाउडनरी है क्या। अभी तो मैं ये बता रहा हूँ क्लाउडनरी है क्या, ये हम यूज़ कैसे करेंगे वो अभी थोड़ी देर में देखते हैं। क्लाउडनरी अब है क्या, अब देखो जैसे ही मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे बना के दे देता है, ये देख रहे हो, मुझे सर्कल में अगर चाहिए तो मुझे सर्कल में बना के दे देगा ये, ठीक है। अब सर्कल में जब मैं बनाता हूँ ना, इसका मैं URL कॉपी करता हूँ जब सर्कल वाले का, ठीक है, देखो यहाँ पे स्क्वायर भी बना के दे रहा है कुछ, साथ में फिल्टर भी लगा रहा है, थंबनेल भी बना के दे रहा है मुझे,
ऐसे वाटर मार्क भी लगा के दे रहा है, जो भी वाटर मार्क मुझे लगाना है इसके ऊपर, तो मैं सर्कल वाले पे जाके इसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ मैं, और सर्कल वाले का यूआरएल यहाँ पे कॉपी करके एक और इमेज बनाता हूँ, उसमें मैं सर्कल वाला ये यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सर्कल वाले का जो यूआरएल है ये आप अगर नोट करें तो थोड़ा सा लंबा है, सही है, थोड़ा सा लंबा है ये। वेल, इसको चला कर देखते हैं कि ये क्या इम्पैक्ट है इसका। रिफ्रेश किया मैंने, ये देखो ऐसी इमेज बना के दे रहा है, सही है। एक मिनट, इस पर मैं बीआर लगा देता हूँ ना, सही है, बीआर लगा के मैंने दूसरी लाइन में कर दिया, तो कुछ इस तरह का मुझे दिखा रहा है। मतलब क्लाउडनरी जो है वो स्टोरेज बकेट एक तो नहीं है, क्योंकि वो फाइलें मुझे नहीं करने देता, सिर्फ इमेजेस अलाउ करता है, पहली बात तो ये। लेकिन वो इमेजेस में कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशन है उनकी कि इमेज सिर्फ स्टोर नहीं करता वो, बल्कि बहुत सारी प्रोसेसिंग भी करवा देता है, बहुत सारी मेरी प्रोसेसिंग भी वो करवा देता है इमेज की। अच्छा, तो ये प्रोसेसिंग होती कैसे है? ये प्रोसेसिंग होती है असल में, देखो यहाँ तक का जो यूआरएल है ये दोनों में सेम है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद लिखा हुआ है डब्ल्यू अंडर स्कोर 1000 सी फिल ए आर 1/1 जी अंडर स्कोर ऑटो आर मैक्स बी ओ 5 सॉलिड रेड, ठीक है, बी आर जी बी सी 5, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। और उसके बाद यहाँ से आगे का यूआरएल भी क्या है, सेम है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है ना इसके बीच में, ये इंस्ट्रक्शन हमें समझनी पड़ेगी कि ये बोल क्या रहा है। थोड़ा तो नाम से भी पता चल रहा है, डब्ल्यू 1000 का मतलब है विड्थ इसकी 1000 शायद है, मे बी, तो देख लेते हैं चल के इसकी डॉक्यूमेंटेशन में। तो अब जब इसकी मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ और इसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या बोलना चाह रहा है मुझसे, डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स वेयर इट इज, क्लाउडनरी डॉक्स मैंने लिखा, तो ये मुझे डॉक्यूमेंटेशन के लिंक पे लेकर आ गया, राइट। अच्छा, यहाँ पे मैं गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ थोड़ा समझने के लिए कि यार ये क्या चक्कर है इसका और ये कैसे दे रहा है। अच्छा, गेट स्टार्टेड में दो तरह के लोगों के लिए अलग अलग इन्होंने बनाया हुआ है, एक डेवलपर्स के लिए और एक है DAM डिजिटल एसेट मैनेजमेंट। मैंने कहा भाई डेवलपर के लिए बताओ मुझे क्या चक्कर है। की बेनिफिट्स ये कह रहा है कि भाई कुछ की बेनिफिट्स हैं, वो बता रहा है कि यार ये है, कितनी बार डेवलपर पूछेगा मुझसे ये। मैं उस जगह पे जाना चाह रहा हूँ जहाँ पे ये मुझे वो बताता है ना, ये पूरा ओवरव्यू दे रहा है कि कौन से बटन से क्या होता है, आप देख सकते हैं इसको जाके। यार गाइड में चला जाता हूँ मैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बता रहा है। वेल, तो गाइड वाले सेक्शन में चला गया मैं, गेटिंग स्टार्टेड को मैंने छोड़ ही दिया क्योंकि बहुत डिटेल। अपलोडिंग मीडिया का सबसे पहला सेक्शन है, अपलोडिंग मीडिया के अंदर कुछ ओवरव्यू है कि अपलोड कैसे होगा, अपलोडिंग एसेट्स, ये यहाँ पे कुछ बात लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इमेज ट्रांसफॉर्मेशन का एक ऑप्शन है, अभी तो ये अपलोड हम देखेंगे कैसे होता है ना, ये देखो नॉट जेएस के सर्वर पे फ्रंट एंड पे वो सब पे बताया है उन्होंने कैसे अपलोड होता है, ये कोड अभी हम इस्तेमाल करेंगे। देखो इमेज ट्रांसफॉर्मेशन में इसने क्या बताया है, रीसाइजिंग एंड क्रॉपिंग। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1000 पिक्सल की इमेज अपलोड करता हूँ लेकिन मुझे वो चाहिए 200 पिक्सल में, तो मैं उसको रिसाइज करके मंगवा सकता हूँ और उसको क्रॉप भी कर सकता हूँ मैं। अगर किसी बंदे की फ़ोटो है, फुल साइज़ फ़ोटो है सर से लेके पैर तक, और मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रोफाइल इमेज बना के दे, यानी सर वाला हिस्सा क्रॉप करके मुझे दे, तो मैं शायद वो भी कर सकता हूँ इसमें, मे बी, अभी देखते हैं अंदर क्या बताया उन्होंने। तो इमेज ट्रांसफॉर्मेशन ओवरव्यू में मैं गया सबसे पहले, और ओवरव्यू में इसने मुझे क्या बताया, कह रहे हैं कि कन्वर्ट फॉर्मेट राउंड चेंज एस्पेक्ट रेशियो एंड क्रॉप टू फेस एंड एड आउटलाइन एंड शेडो, ये सब कर दिया इसने। प्लेस स्टाइल एंड फॉर्मेट इमेज एंड टेक्स्ट एंड लेयर्स, इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिख के मंगवाना चाहते हो वो भी हो जाएगा। अप्लाई स्पेशल इफेक्ट्स लाइक कार्टूनिफाई और ब्राइटनेस और रोटेट एनी एंगल, ये ओरिजिनल इमेज ऐसी नहीं थी, ओरिजिनल इमेज प्लेन इमेज थी, तो ये सारे काम इसमें कह रहा है हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे बताया इसने, इसने बोला कि यार ये जो यूआरएल है ना,
ये अपलोड तक तो सही है, उसके बाद देखो सी अंडर स्कोर क्रॉप का मतलब जो है वो क्या है कि इसको क्रॉप किया जाए इमेज को, ठीक है। जी अंडर स्कोर फेस एच 400 विथ 400 यानी हाइट 400 विथ 400 आर मैक्स सी स्केल डब्ल्यू 200। अब ये इसकी क्लासिक एग्जांपल इसने बताई है, इसने बोला ये ओरिजिनल इमेज है ना, इस इंस्ट्रक्शन से क्या हो जाएगी, ये रन टाइम पे ऐसी बना के दे देगा, कल को मुझे फुल साइज में चाहिए मैं फुल साइज में ले लूँ, कल को मुझे सर्कल नहीं स्क्वायर चाहिए मैं इंस्ट्रक्शन चेंज करूँगा स्क्वायर में ला के देगा। तो अब ये बता रहा है कि वो सिंटैक्स असल में है क्या, ज़रूरत पड़ेगी ना, बिल्कुल क्यों नहीं पड़ेगी, ज़रूरत इसमें पड़ेगी हमें कि अगर एक मेरे पास बड़ी इमेज है, जैसे मैं शॉपिंग का एक ऐप बना रहा हूँ, अब शॉपिंग में मैंने कहा प्रोडक्ट की मुझे 6 इमेजेस चाहिए फुल रेजोल्यूशन, ऐसा ही है ना, लेकिन मुझे जब गैलरी दिखाना है प्रोडक्ट का, मैंने कहा ABC लिखा, मुझे ऐसे करके जब गैलरी दिखानी है जिसमें 600 प्रोडक्ट एक साथ मुझे लिस्ट नज़र आ रही है, तो ये जो प्रोडक्ट नंबर 1 है ये तो जब ओपन करूँगा तो फुल साइज़ इमेज दिखनी चाहिए ना, यहाँ पे मुझे चाहिए थंबनेल 100 पिक्सल बाई 100 पिक्सल का थंबनेल चाहिए। तो या तो दो तरीके हैं, या तो मैं अपने यूज़र से बोलूँ कि यार तू 6 इमेजेस डालता है ना फुल रेजोल्यूशन, एक थंबनेल भी बना के डाल, या तो मैं ये बोलूँ उससे, या तो मेरे पास कोई ऐसा तरीका हो कि अपलोड जब वो करे ना फुल रेजोल्यूशन तो मैं किसी एक को पकड़ूँ और उसको छोटा साइज़ करके ना कुछ करूँ, कोई घन चक्कर घुमाऊँ और उसका छोटा साइज़ बना के पहले ही स्टोर कर लूँ। तीसरा तरीका ये है क्लाउडनरी, है कि नहीं, तो मैं उसमें सिंपल क्या इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, मैं कहूँगा भाई इमेज जितने की भी है उसको रीसाइज करो 100x100 पे और उसके ऊपर क्या लिख दो, टेक्स्ट लिख दो कि न्यू ऑफर या सोल्ड आउट या कोई भी जो भी बात है वो लिख दो उसके ऊपर। आपने देखा होगा इमेज जो आ रही होती है स्टोर पर उस पर सोल्ड आउट लिखा हुआ होता है, तो वो CSS से भी लग सकता है, ऐसा नहीं है CSS से लग नहीं सकता, लेकिन इमेज पे अगर पहले से ही लिखा हुआ जाए सोल्ड आउट तो सही नहीं है, आसान हो जाएगा काम। तो इस तरह की चीज़ों में ना ये बहुत इस्तेमाल होता है जी। हाँ नहीं, डेटाबेस में तो ओरिजिनल सेव है, जो आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे ना उसको डाउनलोड करते वक्त वो बाद में चेंज करेंगे ना, ये देखो ये जो पार्ट है ना इसका URL का ये डायनेमिक होगा ये पार्ट जो है, ठीक है C400। अगर मैं इस URL को कॉपी कर लूँ और इसको कॉपी करके मैं कहाँ ले जाऊँ, एक नए टैब में ले जाऊँ, ये देखो खोला इसने, अब मैं इसको बोलूँगा कि भाई 400 नहीं इसको 800x400 ऐसे करके, ये देखो रन टाइम पे इसने चेंज किया, ठीक है। मैं इसको बोलूँगा कि भाई सी क्रॉप, अच्छा भाई सी क्रॉप को कैसे करेंगे वो नहीं मुझे पता, हाँ ये हाइट इसकी 800 कर दी ना मैंने कहा नहीं हाइट 4 करो विर्थ 800 करो, विर्थ इसकी 800 करो, हाइट 400 मैंने कहा विर्थ 800 करो, तो अब ये क्या करेगा, अब ये कुछ अभी खड़ा हुआ अंडा है ना अभी लेटा हुआ अंडा बन जाएगा, ये देखो सही है, और इसने स्केल यहाँ पे भी 200 लगाया था ना, तो ये अभी अभी सिंटैक्स इसका हम देख रहे हैं कि कौन से का क्या मतलब होता है। अब देखो कौन से का क्या मतलब है वो ये बता रहा है, ओके अब इस URL में ना देखो क्या क्या है, इस URL के पार्ट है, क्लाउड का नाम है सबसे पहले, मिसाल के तौर पे ये जो .com के बाद फॉरन जो है ना वो क्लाउड का नाम है, .com के बाद फॉरन है /demo। अच्छा ये डेमो आप जब अकाउंट बनाते हैं ना तो आपसे कहता है कि आप अपने क्लाउड का एक नाम रखें, ठीक है आप अपने बकेट का एक नाम रखें एक्चुअली, तो वो डेमो रखा हुआ है। उसके बाद इमेज है /upload है, तो ये एसेट टाइप है /image और उसके बाद डिलीवरी टाइप है कि अपलोड किया हुआ है या कहीं से उठाया हुआ है या जो भी किया हुआ है। अब वो पता चल जाएगा मैं कि एसेट टाइप में अलग अलग क्या हो सकता है, एसेट टाइप में इमेज के अलावा वीडियो भी हो सकती है और रॉ भी हो सकता है, तीन इसमें एसेट टाइप हो सकते हैं, ठीक है। डिलीवरी टाइप के अंदर क्या हो सकता है, पॉसिबल डिलीवरी टाइप अलग बताई हुई है उन्होंने, डिलीवरी टाइप पॉसिबल कहाँ बताई हुई है, ठीक है ये डिलीवरी टाइप्स हैं, अपलोड है, प्राइवेट है, ऑथेंटिकेटेड है, लिस्ट है, ठीक है। ट्विटर वगैरह से डायरेक्ट भी उठा के लेकर आ जाता है शायद ये, ठीक है ट्विटर से यूट्यूब से डायरेक्ट भी उठा के लेकर आ जाता है शायद, मे बी
अच्छा, अब उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो पार्ट है ना, वो जरा आप देख लेते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन यूआरएल टिप्स, अरे कितना बहुत लंबा किया हुआ है इन्होंने भाई साहब। ये रहा ट्रांसफॉर्मेशन फ्लैग्स, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन फ्लैग्स हैं यहाँ पे भाई, ये तो जल्दी आगे बढ़ गए यार मशीन। मैं कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट में जहाँ पे वो लिस्ट बनी हुई हो पूरी ना, कि डब्ल्यू अंडर स्कोर विर्थ और ये सब का मतलब क्या है, लेकिन ऐसी कोई लिस्ट मुझे अभी तक नजर नहीं आ रही। वो अलग अलग इन्होंने बताया हुआ है बिल्कुल ही। इन्होंने जो है ना अलग अलग ही बताया हुआ है। वेल तो ट्रांसफॉर्मेशन के ना यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो हम अलग अलग जाके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर रिसाइजिंग एंड क्रॉपिंग में मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ, ठीक है, कि भाई रिसाइज वाले को एटलीस्ट हम ज़रा देख लें, बाकी आप बाद में खुद से एक्सप्लोर करते रहिएगा। अच्छा, ये ओरिजिनल इमेज है, इसमें इसने बोला भाई फोकस ऑन द मॉडल इन द पोर्ट्रेट क्रॉप डिटेक्ट द फेस। तो ये अलग अलग तरह के क्रॉप्स आपके पास अवेलेबल हैं। ये जो है वो शायद एक बड़ी पिक्चर का है, बड़ी पिक्चर ये वाली है ओरिजिनल इमेज। अच्छा, अब देखो रीसाइज करने के लिए क्या क्या लगा सकते हैं हम। विर्थ हाइट चेंज कर सकते हैं, डब्ल्यू अंडर स्कोर और जो भी आपकी विर्थ होगी, और वो पिक्सल के अंदर यानी बात हो रही है जो भी आपने लिखा है। अच्छा, डेसिमल पॉइंट्स में भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पिक्सल में ही दे देते हैं, फिक्स है, सही है, क्योंकि इमेज ज़्यादातर पिक्सल में होती है। एस्पेक्ट रेशो आप उसको दे सकते हैं, एस्पेक्ट रेशो पता है ना, एस्पेक्ट रेशो क्या होता है कौन बताएगा? वन बाई वन का रेशो तो होता है, लेकिन एस्पेक्ट रेशो को डिफाइन करो ना, मतलब क्या होता है उसका। हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। एक्चुअल में हाइट और विर्थ का एक रेशो होता है, जैसे मेरी जो स्क्रीन है ये सामने, इसका रेशो शायद 16:9 है। ये जो रेशो है ये 800:600 वाला ये है रेशो, पता नहीं 1:4 बोलते हैं या 1:1 बोलते हैं, 800:600 है। तो इसका एक रेशो होता है, जब इमेज को हम बड़ा या छोटा करते हैं ना, तो उसका एस्पेक्ट रेशो हमें मेंटेन रखना ज़रूरी होता है, वरना इमेज स्ट्रेची फील कराती है, ठीक है। तो ये वो एस्पेक्ट रेशो की बात हो रही है। अच्छा, अब क्रॉप करेंगे तो मॉड क्या होगा उसका? मॉड फिल हो सकता है, क्रॉप हो सकता है, थम हो सकता है, स्केल हो सकता है, फिट हो सकता है, ये सारे आपको पता है कि क्या होते हैं मॉड्स, ठीक है। फिट और फिल, फिट में ये होता है कि इमेज के अंदर खाली जगह आती है, स्पेस आता है, और फिल में ये होता है कि वो हम कुछ डिटेल लूज कर जाते हैं और इमेज में कोई एम्प्टी स्पेस नहीं दिख रहा होता हमें, ठीक है। अब ये कुछ एग्जांपल्स बता रहा है रीसाइज की और क्रॉप की, कुछ एग्जांपल्स बता रहा है, ठीक है। ये ओरिजिनल इमेज है, ये वाली कमांड इसको लिख कर दी है, तो कुछ इस तरह का इसने रिजल्ट वापस भेजा है मुझे, ठीक है। डिफरेंट कमांड भी ये क्या बिहेव कर रहा है ये पता चल रहा है आपको इसमें, बस यार ये देख के कर लेना इसमें से जब भी जरूरत पड़े तो। अब देखो ये क्रॉप का अलग से इसने बताया है यहाँ पे कि भाई क्रॉप कैसे होगा, सी क्रॉप, जी नॉर्थ वेस्ट और हाइट और विर्थ, ये तीन चीज़ें इसने बताई हैं इसको क्रॉप करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें पॉसिबल हैं, समझ रहे हो ना, मतलब कि इमेज आपको जैसा मर्जी चाहिए हो वैसे करके आप इमेज को मंगवा सकते हो, ठीक है। सी अंडर स्कोर थम, जी फेस और हाइट और विड्थ, ये तीन चीज़ें बताई तो फेस पे लेकर आ जाइए। अब ये कमांड जो है आपको इसकी इतने ज़्यादा डेप्थ में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये कमांड आप लिखेंगे और आपको सी थम और जी फेस ये तो फिक्स है ना, फेस के ऊपर फोकस करेगा और 150x150 की स्क्वायर पिक्चर ले आएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये फेस डिटेक्शन का ना ये स्पेशल एक सेक्शन बना हुआ है कि फेस डिटेक्शन अब कैसे कैसे हो सकती है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
मतलब अगर आपने पिक्चर कोई अपलोड की है और आप चाहते हैं उसका फेस जो है ब्लर होकर आए, तो वो भी इसके अंदर पॉसिबल है यार। इवन ये देख रहे हो, मतलब ये फेस उठ के वहाँ से जब आएगा तो ब्लर हुआ हुआ होगा पहले से ही। अब ये एक इमेज है बटरफ्लाई डॉट जेपेग। अब इस इमेज के ऊपर इसने देखो क्या कमांड लगाई है, इसने बोला सी फिल, मतलब क्रॉप करना है फिल वाले मोड में जो अभी हम ऊपर देख रहे थे। और क्या चाहिए, हाइट हमें 200 चाहिए, विर्थ हमें 200 चाहिए, तो ये लेकर आ गया। फिल करने से कुछ डिटेल लूज कर गया हम, लेकिन एम्प्टी स्पेस नहीं दिखा हमें। अब उसके बाद देखो इसने क्या किया, सी फिल यानी क्रॉप करना है फिल वाले मोड पे, और ग्रेविटी फेस पे रखनी है, सही है, जी अंडर स्कोर फेस। यहाँ पे देखो फेस बाहर जा रहा था स्क्रीन से, इसने बोला जी फेस पे रखनी है, ठीक है, यानी फेस को भी फोकस में रखना है। हाइट 200, विर्थ 200, सही है, नॉट बैड। फिर इसने क्या बोला, इसने बोला क्रॉप करना है थंबनेल वाला। अब वो क्रॉप में जो सारे मॉड थे ना, ये उसमें से एक है थंब, क्रॉप करना है थंब वाला, ग्रेविटी रखनी है फेस के ऊपर, और विड्थ 200, हाइट 200, तो फेस को पूरा आ गया। वो AI लगाई भी उन्होंने पीछे, हाँ। अच्छा अब इसने देखो क्या लगाया, इसने बोला क्रॉप करो सी क्रॉप, और ग्रेविटी पूरी की पूरी फेस पे हो, तो जितना फेस था ना उतना लेकर आया। अब जितने भी पिक्सल का आपकी मर्जी है, आपका नसीब कि 1000 पिक्सल का फेस है या 10 पिक्सल का फेस है, बोलो। हाँ वो रीसाइज में था ना ऑप्शन, रिड्यूस कर देगा उसके साइज को, 10 की सेव होगी, हाँ डेटाबेस में 10 की सेव होगी, हाँ फ्रंट एंड पे आप जितने का मंगवाओगे उतने की आएगी, हाँ जैसे रीसाइजिंग और क्रॉप था ना ये। अब रीसाइजिंग में आप बोलोगे कि भाई 150 पिक्सल पे लेकर आओ, तो वो उतने पे लेकर आ जाएगा, सही है। मिसाल के तौर पे देखो अभी ये मेरे पास जो इमेज है ना, जो मैंने डिस्प्ले करवाई थी, इसको मैंने HTML में लिखा था ना कि भाई 200x200 करो, ये विर्थ मैंने HTML में लिखा था। अगर मैं ये हटा दूँ विर्थ, तो ये एक्चुअल में कितने पिक्सल की लेकर आ रहा है, बहुत ज़्यादा पिक्सल की ला रहा है। लेकिन अब अगर मैं इसके URL में आऊँ, मैं इसको आगे बोलूँ विर्थ कितनी चाहिए मुझे, 100 चाहिए और कॉमा एच अंडर स्कोर 100 चाहिए, तो बस हो गया, देख रहे हो ब्लर करके लाया 100 पिक्सल की इमेज, ब्लर कर दिया ना उसने, मतलब उनका जो एल्गोरिथम था उसने जब उसको डाउन किया तो ब्लर कर दिया। नहीं अभी वो असल में कुछ मैंने बीच में गड़बड़ भी की हुई है इसमें, इस वजह से ऐसा हुआ है, वरना ये इतना डाउन भी नहीं करती क्वालिटी। ये सब हटा देता हूँ ना मैं, सी फिल विल, ये ऑटो वाटो ये सब हटा देता हूँ मैं, सही है। ये क्रॉप कर रहा है उसको, हाँ क्रॉप कर रहा है फिल मॉड में, क्रॉप कर रहा है उसको फिल्म, ये सब हटा दिया मैंने। मैंने बोला भाई सिर्फ 100x100 मुझे चाहिए, और कोई नहीं मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए। रिफ्रेश किया मैंने तो ये मुझे 100x100 की इसने पिक्चर दे दी। अच्छा ये स्टिल थोड़ा ब्लर कर रहा है, आई एम नॉट श्योर वाई, करना नहीं चाहिए इसको लेकिन कर रहा है। अगर मैं सिर्फ विर्थ इसको बोलूँ 100 कर दो तो भी ब्लरी इमेज ला रहा है यार, ऐसा कैसे हो सकता है। 200 पे ये लेकर आया है। अच्छा इसमें क्वालिटी वॉलिटी भी सेट करने का ऑप्शन होगा, मतलब कि अगर मैं इसको क्रॉप कर रहा हूँ तो क्या मुझे क्वालिटी भी डाउन करनी है लाइक दिस, ठीक है, क्वालिटी वॉलिटी का भी ऑप्शन होगा। अब इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करने का हमारे पास यहाँ पे इस वक्त टाइम नहीं है, लेकिन आप बाद में इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। अच्छा तो हमने क्लाउडनरी को समझ लिया अच्छे तरीके से कि क्लाउडनरी है क्या चीज़ और उसको लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ज़रा इसकी प्राइसिंग पे भी नज़र मार लेते हैं। अच्छा ये जो है ना भाई, इसका क्या है प्राइसिंग है, राइट। प्राइसिंग में जो मैक्स फाइल साइज होगा ना, वो आपको 10 MB देता है। ये एक फाइल 10 MB से ज़्यादा की नहीं हो सकती आपकी। और टोटल कितना देता है साइज आपको, ये नहीं बता रहा टोटल साइज कितना होता है, ये नहीं बताया इसमें। एडमिन API आवरली रिक्वेस्ट। अच्छा, लिमिट उन्होंने उधर नहीं लगाई कि मैक्सिमम कितना डेटा होगा, वो लिमिट उन्होंने इधर लगाई है कि आवरली 500 रिक्वेस्ट से ज़्यादा रिक्वेस्ट आप इस पर नहीं भेज सकते, इधर इन्होंने लिमिट लगाई है, ठीक है। मैक्सिमम मल्टी फ्रेम मेगापिक्सल इस पर भी कुछ लिमिट लगाई हुई है। वेल
और ये जो प्लस प्लान है इसका, प्लस प्लान में 2000 रिक्वेस्ट है पर आवर, जो कि आई थिंक काफ़ी है, क्योंकि एक बार जब इमेज आ जाती है ना तो गूगल क्रोम का ब्राउज़र उसको कैशे भी कर लेता है, वो अगर उसी पेज को रीलोड करे तो वो इमेज दोबारा नहीं आती उठ के ना, वो गूगल क्रोम कैशे कर लेता है उसको। तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए 2000, आई एम नॉट श्योर के केस टू केस वैसे वेरी करेगा, कुछ केसेस में शायद बहुत कम हो 2000। अब ये पैसे नहीं इसने लिखे ना, प्लस वाले के पैसे कितने हैं, यही तो बात है इनकी। नहीं पर फाइल 10 MB, मैक्सिमम फाइल साइज 10 MB, प्लस वाले में मैक्सिमम फाइल साइज है 20 MB, यानी सिंगल फाइल आपकी 10 MB से ज़्यादा की नहीं हो सकती फ्री वाले में। वीडियो मैक्सिमम 100 MB से ज़्यादा की नहीं हो सकती एक सिंगल वीडियो, ठीक है। जो ऑनलाइन वीडियो मैनिपुलेशन साइज जो है, कि वीडियो भी मैनिपुलेट कर देता है इसी तरीके से, पट्टी चलना शुरू हो जाएगी वीडियो में या क्रॉप हो जाएगा, यानी फेस पे क्रॉप कर देगा वीडियो को, ये सारी चीज़ें, तो वो 40 MB से ज़्यादा की वीडियो को आप फ्री में मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी इसकी लिमिटेशन है फ्री वाले प्लान में। तो आई थिंक अगर ये 500 रिक्वेस्ट अलाउ कर रहा है पर आवर तो वो नॉट बैड, सही है फ्री में। तो और प्लस का इन्होंने पैसा नहीं लिखा, पैसा इसका वैसे कोई ज़्यादा नहीं होगा, $5-10 ही होगा मंथ पर मंथ का ना, तो आई थिंक इट्स वर्थ इट अगर आपका ये टाइम बचा रहा है आपके वो क्रॉप वाले। हाँ, आपको शुरू में याद होगा जब हम एक इमेज को सर्कल करने की कोशिश कर रहे थे CSS के ज़माने में, तो वो इमेज का फिर स्क्वायर होना ज़रूरी है, इमेज को अगर आपको गोल करना है सर्कल करना है तो उस इमेज का स्क्वायर होना ज़रूरी है, तो आपको क्या करना पड़ता था, उसको जाके फोटोशॉप में उसको क्रॉप करना पड़ता था स्क्वायर में, उसके बाद आप लगाते थे जब बॉर्डर रेडियस 50% तो फिर परफेक्ट सर्कल बनता था, अदरवाइज सर्कल तो वो बन जाता था लेकिन स्क्वायर अगर इमेज नहीं है आपकी तो वो इमेज खिंच जाती थी, स्ट्रेच हो जाती थी, उसका एस्पेक्ट रेशो डिस्टर्ब हो जाता था। तो इस तरह के जो सारे मसले हैं ना, अगर आपकी कोई बड़ी ऐप है और आप यूज़र से फ़ोटो लेते हैं, प्रोफाइल फ़ोटो यूज़र अपलोड कर रहे हैं, तो अब आप यूज़र को कहाँ बताते फिरेंगे कि भाई बिल्कुल स्क्वायर रखो ये रखो, अब यूज़र इतना टेक्निकल थोड़ी ना है, यूज़र ने तो फ़ोटो मोबाइल से खींची है अपनी, उसको वो अपलोड करनी है, अब आपके पास वो अपलोड होती है तो वो खिंच के स्ट्रेच हो जाती है, अब इसका तो कोई हल ही नहीं है। कुछ प्लेटफॉर्म इसका हल ये निकालते हैं कि अपलोड करते ही ना क्रॉपर आ जाता है सामने, जैसे इंस्टाग्राम पे उन्होंने यही किया हुआ है कि जब आप अपलोड करते हैं तो वो क्रॉपर शुरू में ही आ जाता है, वो क्रॉप करके अपलोड करता है। तो ये इमेज प्रोसेसिंग या क्रॉप किसी लाइब्रेरी से करना पड़ेगा आपको, तो फ्रंट एंड पे काफ़ी काम है इसके लिए, काम करना पड़ेगा आपको, वो क्रॉपर लगाना पड़ेगा, वो एक लेयर होती है, फिर उस लेयर के ऊपर एक यूज़र एक्सपीरियंस भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। समटाइम वो क्रॉपिंग बड़ा एक मतलब डिसगस्टिंग भी हो जाता है समटाइम, अगर आपने यूज़र एक्सपीरियंस का ख्याल नहीं रखा हुआ उस क्रॉप में तो वो पता चलता है वो हल्का सा ऊपर करो वो पूरा खिंच जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, बेड़ा गर्क हो जाता है उसका, तो उसमें यूज़र एक्सपीरियंस का भी ख्याल रखना पड़ता है आपको। फिर वो एक जगह पे नहीं हो रहा, वो कई जगह पे हो रहा है, अगर कोई ई कॉमर्स का स्टोर है तो प्रोफाइल पिक्चर भी है वहाँ, प्रोडक्ट की भी इमेज है, कोई वेरिफिकेशन के लिए आप डॉक्यूमेंट ले रहे हैं वहाँ पे भी इमेज है, बहुत सारी जगहों पे। तो आप आँख बंद करके ये भी नहीं कर सकते कि सब जगह लगा दें, आपको हर जगह के यूज़र एक्सपीरियंस का अलग से ख्याल रखना होगा। तो उन जगहों पर, उस तरह की जगहों पर क्लाउडनरी जो है वो काफ़ी सही रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि भाई ये क्लाउडनरी होता क्या है और ये काम कैसे करता है, और अब हम ज़रा देख लेते हैं कि ये आपकी ऐप पे लगेगा कैसे, आपकी ऐप से ये अपलोड कैसे होगा। तो अपलोड का सबसे पहला तो ये है कि भाई कहाँ गया डॉक्यूमेंटेशन, मैंने बंद कर दी, हाँ मीडिया अपलोड में आ जाता हूँ मैं, ओवरव्यू। अच्छा, सबसे पहले तो भाई इनकी है अपलोड विजिट। अपलोड विजिट क्या चीज़ है, जो यहाँ पे ये बना है ना अपलोड, ऐसा पूरा डायलॉग बॉक्स आपके पास बना के दे देंगे, आप बटन क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के अपलोड के ऑप्शंस मौजूद हैं, ब्राउज भी कर सकते हैं आप उसको, शायद क्रॉप वगैरह का भी ऑप्शन है यहाँ पे एडवांस, अगर मैं यहाँ पे कोई PNG इमेज लगाता हूँ, अच्छा क्रॉप का ऑप्शन नहीं दिया इसने मुझे, अगर एडवांस में क्लिक करता हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं यहाँ पे एडवांस की भी। वेल, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहला तो ये विजिट, अब विजिट को ज़रा देख लेते हैं, अपलोड विजिट को कुछ इस तरह का होगा ये अपलोड विजिट, आप अपनी वेबसाइट पे लगा देंगे, वहाँ से जब भी कोई अपलोड करेगा आपके पास जाके बकेट में वो जाके सेटमेंट हो जाएगा। इसका जो कोड है वो कुछ इस तरह का होगा, ये काइंड ऑफ क्या है, एक एम्बेडेड कोड है, ये क्या है, काइंड ऑफ
एम्बेडेड कोड होगा कि वो बस आपके पास लगा हुआ आ जाएगा, वहाँ से कोई भी अपलोड करेगा तो वो आपके पास जाके अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक हमारे केस में ये बेटर ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम डेवलपर्स हैं, हमें साइन अप के फॉर्म में अपलोड का बटन चाहिए, अब के इमेज बंदा सेलेक्ट करे और अपलोड सबमिट का बटन दबाए, नाम ईमेल वगैरह हर चीज़ के साथ वो जाके मतलब स्टोर हो, तो इस तरह की कोई चीज़ हमें चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, अपलोडिंग एसेट, अपलोडिंग एसेट एनालिसिस, अपलोडिंग एसेट पर चले जाते हैं। अच्छा, इसमें ना इन्होंने बता दिया कि भाई डिफरेंट हमारे पास सर्वर्स के लिए हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, उसके ज़रिए आप अपलोड कर सकते हैं। Node.js का अगर आपने सर्वर बनाया हुआ है तो आप उस पर एक लाइब्रेरी है उसके ज़रिए आप Node.js के सर्वर से उठा के क्लाउडनरी पे भेज सकते हैं, लेकिन हमारे केस में हम अभी फ़िलहाल कोई सर्वर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्लाउडनरी जो है वो रेकमेंडेड नहीं है कि हम बग़ैर सर्वर के इसको इस्तेमाल करें, मतलब अपलोडिंग वाला जो प्रोसेस है ना वो हम सर्वर के ज़रिए करते हैं, वो हम बग़ैर सर्वर के आमतौर पर नहीं करते, ठीक है। अच्छा, वंस वो एक बार अपलोड हो गया तो उसका URL है वो पब्लिक है, URL भले आप कहीं भी लगाते रहें, उसमें आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें और लगा दें, वो उठा के लेकर आ जाए, वो तो पब्लिक है, सही है। प्रोफाइल फ़ोटो वगैरह आमतौर पर क्लाउडनरी में ही रख रहे होते हैं, लेकिन अपलोड वाला जो प्रोसेस है ना वो सर्वर से होता है इसमें, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक जो कि नॉट रिकमेंडेड है, लेकिन इन्होंने दिया हुआ है कि भाई आप HTML से डायरेक्ट भी अपलोड कर लो। HTML से जब आप डायरेक्ट अपलोड करते हैं तो वो क्या होता है, वो सिक्योर नहीं होता। सिक्योर ना होने का मतलब ये कि आप उसमें क्या करते हैं, कुछ प्रीसेट्स लगा देते हैं, आप कहते हैं अच्छा यार 500 KB तक की इमेज अपलोड करना, कोई भी इमेज अपलोड हो फला फोल्डर में जाके सेव हो जाए रिगार्डलेस कि वो अभी क्या भेजा उसने क्या नहीं भेजा, ठीक है। ऑथेंटिकेटेड नहीं होती वो, मतलब ऐसा नहीं होता कि वो आप ऑथेंटिक, मतलब जैसे हम यूज़ करते हैं ना वेदर API कि API की होती है फिर गेट, तो वो तो गेट वाला आइटम है, गेट वाले आइटम में तो सही है API की, लेकिन जहाँ पे अपलोड की बात है ना वहाँ पे API की काम नहीं करती। वो इसलिए काम नहीं करती कि वो API की होती है पब्लिक, वो API की जो होती है वो तो पब्लिक होती है, वो तो कोई भी निकालेगा वो भी अपलोड करना शुरू कर देगा, तो अल्टीमेटली क्या होता है ये ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो नॉट रिकमेंडेड तरीका है लेकिन मौजूद है। अब वो ज़रा हम ढूंढ लेते हैं डॉक्यूमेंट में इन्होंने किधर बताया हुआ, अपलोड प्रीसेट्स में शायद इन्होंने बताया वो होगा। अच्छा, तो ये वाला काम करने के लिए ना आपको पहले क्या करना होता है, अपलोड प्रीसेट को इनेबल करना होता है जाके, राइट। अपलोड प्रीसेट को पहले इनेबल करते हैं आप, उसके बाद वो काम कर रहा होता है। वो बताया कहाँ पे इन्होंने वो मेरे समझ में नहीं आ रहा अभी, करवा सकते हैं लेकिन ये वाला बेहतर तरीका है थोड़ा। अच्छा, वो विजिट से भी अनऑथेंटिकेटेड ही होगा उसका, वो उन्होंने अच्छा सा एक नाम रखा हुआ है। वेल, पहले तो ज़रा ये अपलोड प्रीसेट में जाते हैं ना, कहाँ पे इन्होंने बताया है अपलोड प्रीसेट लगेगा। इन्होंने बोला सेटिंग में जाओ, अपलोड में जाओ और अपलोड प्रीसेट में जाओ, तो हम चले जाते हैं ज़रा सेटिंग में। अपनी उस पर गया मैं, सेटिंग कहाँ पर है, सही है, सेटिंग में जाने के बाद अपलोड में जाना है, अपलोड में चला गया मैं, और अपलोड पे जाने के बाद मुझे जाना है किस पे, अपलोड प्रीसेट्स पे जाना है। चलते हैं अपलोड प्रीसेट्स पे, ये मेरे अपलोड प्रीसेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मुझे, हाँ इसको कहते हैं अनसाइन अपलोडिंग, ये मुझे नाम याद नहीं आ रहा था कि क्या कहते हैं। अच्छा, इसको ना इनेबल करना पड़ता है अनसाइन को, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, बंद होता है। अनसाइन यानी अनऑथेंटिकेटेड इस पर आप अपलोड कर रहे होंगे फाइलें, तो इसको पहले तो मैं कर देता हूँ इनेबल, ठीक है, ये इनेबल हो गया। अच्छा, नेम मुझे इसने जो असाइन किया वो ये वाला है, मैं इसको एडिट कर देता हूँ ज़रा सा, एडिट करके मैं, एक मिनट, ये क्या किया मैंने, एक मिनट, इसको मैं डिलीट करता हूँ ज़रा, और इसने यहाँ पर डॉक्यूमेंट से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेते हैं, सही है। अच्छा, इसने क्या बोला यहाँ पे, सेक्शन दिस 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 एडिट एंड मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग प्रीसेट, तो बेस्ड ऑन द न्यू अपलोड प्रीसेट
एन एग्जिस्टिंग वन क्लिक डुप्लीकेट एंड रेलिवेंट द रेलिवेंट प्रीसेट दिस दिस। अच्छा वो कह रहे हैं एक बार प्रीसेट अगर आपने बना लिया है तो उसको आप डुप्लीकेट करके आप क्या कर सकते हैं उसकी कॉपी भी बना सकते हैं। सही है। अच्छा तो मैं क्या करता हूँ अनसाइन को आगे इनेबल कर देता हूँ, और अनसाइन को इनेबल करने के बाद जो नेम दिया है ना उसने मुझे बहुत अजूबा सा वाहियात सा, इसको मैं एडिट करके क्या करता हूँ, इसको मैं एडिट करके इसका नाम ना थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ, कुछ बेहतर नाम लगाता हूँ इस पर। मैंने कहा कि प्रोफाइल पिक्चर्स ABC ठीक है और सेव, ठीक है। तो अब मेरा जो नाम है ना थोड़ा सा बेहतर नाम बन गया इसका ना, जो अनसाइन अपलोड का जो मेरा नाम था ना क्लाउड नेम वो कुछ बेहतर हो गया। अच्छा सेटिंग में इसमें क्या चीज़ है भाई, यूनिक फाइल नेम ट्रू ऑटो टैगिंग 0.7, इसको मैं एडिट करके कुछ रूल्स इस पर लगा देता हूँ, जैसे कि मैक्सिमम साइज़ कितना होगा इमेज का, इस तरह की कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। मैंने कहा मीडिया एनालिसिस AI, यहाँ पे एक मैक्सिमम साइज का एक ऑप्शन होता है, अच्छा यहाँ पे ना देखें अलाउड फॉर्मेट्स हम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा कि मैक्सिमम लिमिट जो होगी मेरी स्टोरेज एंड एक्सेस में शायद आ रहा हो। अच्छा इसका जो मॉड है ना वो अनसाइन मुझे रखना पड़ेगा, अगर मैं इसको साइन मॉड लगा दूंगा तो फिर क्या होगा, फिर मुझे वो ब्राउज़र से डायरेक्ट फिर काम नहीं करेगा, फिर वो बोलेगा मुझे API की दो फिर मुझे ये दो, इस तरह की हरकतें करेगा फिर वो, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको अनसाइन रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं साइन इसको रख देता हूँ और फिर मैं फ्रंट एंड पे API की लगाऊँ तो वो मेरे लिए बेकार है, क्योंकि वो API की पे फिर ज़्यादा एक्सेस होता है, वो फिर आउट हो जाएगा, फिर कोई और उसको यूज़ कर रहा होगा मेरे अकाउंट। अच्छा फोल्डर का मैं नाम बता सकता हूँ कि वो कहाँ पे जाना चाहिए, तो मैंने कहा कि प्रोफाइल और फोटोज़ ऐसे इस नाम से फोल्डर बने और वहाँ पे ये चला जाए, ठीक है। एन ऑप्शनल प्रीफिक्स फोल्डर पाथ दैट विल बी प्रिटेंडेड टू द पब्लिक ID, कह रहा है एक फोल्डर आप नाम रख सकते हो, वो फोल्डर जो आपका ना वो पब्लिक ID होगी, कि वहाँ पर जो भी चीज़ अपलोड होती है वो पब्लिक में से किसी ने अपलोड की है, तो उसी फोल्डर पर जाएगा, वो आपके दूसरे फोल्डर से उसका ताल्लुक नहीं रहेगा। फिर यूज़ फाइल नेम और एक्सटर्नली डिफाइंड पब्लिक ID, अगर इसको मैं टर्न ऑन करता हूँ तो क्या करेगा कि जो भी अपलोड करते वक्त जो उसने नाम रखा है ना उसी नाम को ये रखेगा, और उसके आगे कुछ ABC 123 कुछ लगाएगा, इस तरह करेगा, ठीक है। वेल अब ये सारे ऑप्शंस को हम डिस्कवर कर सकते हैं कि अब ये क्या क्या हमें अलाउ कर रहा है क्या नहीं कर रहा, इसको इस पॉइंट पर मैं आगे क्या कर देता हूँ सेव, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे मैंने फोल्डर का नाम लिखा तो वो यहाँ पे शो हो गया, फाइल नेम यूनिकोड ठीक है जी, पब्लिक ID फॉल्स, ठीक है। अब अगला स्टेप हमारा क्या है भाई, अब अगला स्टेप देखते हैं डॉक्यूमेंट में। अब अनसाइन अपलोड में डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंट में सामने तो मुझे नहीं दिख रहा, मैं गूगल पे जाके लिख देता हूँ क्लाउडनेरी अनसाइंड अपलोड, राइट, ठीक है। प्रोग्रामेटिकली अपलोडिंग इमेजेस वीडियोज एंड अदर फाइल्स, ये डायरेक्ट मुझे लिंक मिल गया, पहले से विजिट किया हुआ इसलिए थोड़ा पर्पल शो हो रहा है। अब यहाँ पे अनसाइन वाला जो है ना पार्ट उस पर मुझे जाना है, ये रहा डायरेक्ट अपलोडिंग फ्रॉम ब्राउजर, यहाँ पे मुझे शो हो गया, मैं डायरेक्ट अपलोडिंग फ्रॉम ब्राउजर में अनसाइन अपलोड के ऑप्शन में जा रहा हूँ, राइट, ये अनसाइन अपलोड मेरे पास आ गया। अच्छा अनसाइन अपलोड मुझे किस में करना है, जावास्क्रिप्ट का मुझे चाहिए तरीका कोई, जावास्क्रिप्ट तो शो ही नहीं कर रहा है यहाँ पर,
अच्छा मुझे यहाँ पे ना एग्जॉस्ट वाला कोई तरीका ये शो नहीं कर रहा वैसे। इसको चाहिए था कि कर्ल के साथ एग्जॉस्ट भी एक दिखा देता इधर, लेकिन इन्होंने वो नहीं दिखाया मुझे, एग्जॉस्ट का ऑप्शन ही नहीं रखा इन्होंने। तो मैं क्या करता हूँ, ये क्लाउडनरी को फिर इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने पास। ये जो नॉट जेएस है ना, इसका मतलब है नॉट जेएस और रिएक्ट दोनों की बात हो रही है, या शायद एक अलग से गूगल चला लेता हूँ मैं, एक अलग से जो है ना वो कर लेता हूँ एक गूगल सर्च के अपलोडिंग अनसाइंड ऑन क्लाउडनरी और रिएक्ट ऐसे करके, कि लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या लोग जो, क्योंकि कर्ल और एग्जॉस एक ही बात है, वो कर्ल को मैं एग्जॉस में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। कर्ल में क्या होता है, वो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, उसमें यूआरएल लिखता हूँ मैं, हेडर वेडर वो सब हाथ से टाइप करता हूँ, बॉडी में क्या रखना है वो हाथ से टाइप करता हूँ। एग्जॉस में वो जावास्क्रिप्ट के जरिए, कोडिंग के जरिए हो रहा होता है, तो मैं कर्ल को इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कि लोग अगर रिएक्ट से अनसाइन अपलोड जब करते हैं तो लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आया कि लोग एग्जॉस यूज़ कर रहे हैं या लोगों ने उनकी लाइब्रेरी यूज़ की हुई है। ठीक है, अनसाइंड अपलोड क्लाउडनरी रिएक्ट, ठीक है, और स्टैक ओवरफ्लो साथ में लगा देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए। अच्छा, लोग एग्जियोस या फैच ही यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो हम ज़रा जो है ना, ये मैंने एक एग्जांपल वहाँ से कॉपी कर ली है, जो किसी ने स्टैक ओवरफ्लो पे सवाल पूछा हुआ था, तो वहाँ से वो मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया उनका ना। अच्छा, इसके पास कोई एरर आया हुआ था बाई द वे, तो उस एरर के जवाब में बंदे ने क्या बोला हुआ था, बंदे ने बोला भाई आपने जो लिखा है ना यूआरएल, वो लिखा है गलत। ठीक है, तो हम तो यूआरएल डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स में से देख लेंगे, तो हमें उसकी टेंशन ही नहीं है। अच्छा, तो ये जो अनसाइन अपलोड है ना, इसमें जरा देखें ये कर क्या रहा है। इसमें इसने बोला कि भाई यूआरएल होगा ये स्लैश अपलोड, ठीक है, ये यूआरएल कॉपी कर लिया मैंने, और अपने पास मैं मेक श्योर करता हूँ कि ये यूआरएल यही वाला है, लेकिन यूआरएल इसका गलत है ना, तो मैं क्या करता हूँ यूआरएल इसका ये वाला लगा देता हूँ, ये यूआरएल आ गया। उसके बाद स्लैश करके, जैसे ये डेमो लिखा हुआ है, इसकी जगह पे क्या होगा, मेरा क्लाउड नेम होगा। ठीक है, मेरे क्लाउड का नाम क्या है इस वक्त, उसके प्रीसेट्स में चला जाता हूँ, ये है मेरे क्लाउड का नाम, राइट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरे क्लाउड का नाम है। मैं डेमो की जगह पे क्लाउड का अपने क्या किया मैंने, अपने क्लाउड का मैंने नाम लगा दिया। ठीक है, सही है, क्लाउड का नाम स्लैश इमेज स्लैश अपलोड, इसी तरह इन्होंने बताया हुआ है अपने डॉक्यूमेंट्स में। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बोला है कि भाई पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी, और क्या होगा, फाइल के नाम से क्या होगा, फाइल का पाथ होगा।
उसके अंदर। अच्छा और क्या होगा उसके अलावा? टाइम स्टैम्प होगा और एपीआई की होगी और सिग्नेचर होगा। तो अब ज़रा ये एपीआई की और सिग्नेचर हम देख लेते हैं यहाँ इन्होंने किधर लगाया है। अच्छा हमारे पास ये इमेज की जो फाइल है ये इस वक्त मौजूद नहीं है, तो हम अपने फॉर्म के अंदर एक इमेज सेलेक्ट करने वाला भी ऑप्शन डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं नीचे जाके। आ जाते हैं नीचे अपने फॉर्म में, यहाँ पे टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और लास्ट में सबसे मैं कहता हूँ कि एक इनपुट बना दो, उसकी टाइप रख दो फाइल, और टाइप फाइल रखने के बाद उसमें जो ऑन चेंज है वो क्या रखवा दो, इसमें नेम हम रख देते हैं प्रोफाइल, इसका प्रोफाइल पिक्चर राइट, ये नाम रख देता हूँ मैं, तो इसी नाम से फिर मुझे मिलता रहेगा वो। ऑन चेंज पे मैं बात लगा देता हूँ वही वाली जो मैंने यहाँ लगाई थी, फॉर्मिक डॉट हैंडल चेंज, सही है। अच्छा फॉर्मिक डॉट हैंडल चेंज हो गया और प्रोफाइल पिक्चर मैंने यहाँ पे ऐसे लेबल के तौर पे इसको दे दिया। तो मेरी स्क्रीन पे अब कुछ इस तरह का ये दिखना शुरू हो जाएगा। क्या हुआ इसको भाई, आई एम जी इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा वो टॉप पे एक आई एम जी मैंशन हुआ है वो उसको मिल रहा नहीं है, ठीक है ये वाला वो आई एम जी है जिसको वो एरर दे रहा है, ठीक है मैंने कहा आई एम जी की खैर हो गई। अब मेरे पास एक अदर टाइटल है, एक अदर टेक्स्ट है और लास्ट में एक प्रोफाइल पिक्चर है जिस पर मैं चूज़ के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह की चीज़ खुल जाती है। और यहाँ पे से मैं एक PNG इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ या कोई भी इमेज यहाँ पे से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ इमेज का नाम यहाँ पे सामने शो हो जाता है, ठीक है। और जब मैं पोस्ट का बटन दबाता हूँ, अब जब मैं पोस्ट का बटन दबाता हूँ तो ये भी तो लिखना पड़ेगा, पोस्ट का बटन दबाता हूँ मैं तो मुझे अब तीन चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ओके। नंबर एक टेक्स्ट, नंबर दो टाइटल और नंबर तीन प्रोफाइल पिक्चर का पूरा जो पाथ है वो मुझे मिलता है, सही है। ये मुझे लग रहा है वैसे कुछ गड़बड़ हुई है इसमें, ये फॉर्मिक मुझे ना इमेज को पूरी तरह से दे नहीं रहा, वो फेक पाथ मुझे दे रहा है उसका। वेल तो वो जो आई एम जी की जगह पे ना मैंने वो रखवाना है के वैल्यूज डॉट और प्रोफाइल पिक्चर, सही है इसी नाम से था यहाँ पे जो मुझे मिलता था ये प्रोफाइल पिक्चर, ये मैंने यहाँ पे लाके लगा दिया वैल्यूज डॉट प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। तो मेरा ये सब कुछ सेट है। अच्छा प्रीसेट का भी नाम यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है, तो मेरे प्रीसेट का नाम क्या है ज़रा वो देख लेता हूँ, मेरे प्रीसेट का नाम क्या है, ये मेरे प्रीसेट का नाम है या मेरे उसका नाम है यार, एक मिनट एडिट करके देख लेता हूँ। अच्छा ये तो मेरे प्रीसेट का नाम है, मेरे क्लाउड का नाम वहाँ पे कहीं और है, सही है ये मेरे प्रीसेट का नाम था, प्रीसेट का नाम मैंने इधर लगा दिया और क्लाउड का नाम अभी मुझे पता नहीं है क्या है, वो मैं डैशबोर्ड से अपने देखता हूँ कि क्या नाम है मेरे क्लाउड का। अच्छा क्लाउड नेम मुझे कहाँ से मिलेगा, मेरे डैशबोर्ड से मिलेगा, ठीक है। अच्छा क्लाउड नेम मेरा जो है ना ये वाला है मलिक सिंगर, जिस नाम से मैंने अकाउंट बनाया है वही मेरा क्लाउड नेम है, तो आ जाते हैं क्लाउड नेम में ये लगा देते हैं, ये मेरा क्लाउड नेम है, ठीक है। तो मैंने प्रीसेट का नाम लगा दिया, क्लाउड का नाम लगा दिया, और मुझे क्या चाहिए अब इसमें, API की भी बता रहा था कि चाहिए होगी, लेकिन API की मुझे इस केस में नहीं चाहिए क्योंकि जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो अनसाइन अपलोड है, जो इन्होंने करके बताया हुआ ना स्टैक ओवरफ्लो पे जो सवाल पूछा हुआ है इन्होंने, तो यहाँ पे API की का कोई जिक्र नहीं है क्योंकि अनसाइन अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं साइन अपलोड करता यानी कि अपने Node.js के सर्वर से मैं अपलोड कर रहा होता जो कि एक सिक्योर प्लेस है, तो वहाँ से फिर मैं API की भी साथ में डाल के भेजता, ठीक है। अच्छा और मैंने अपने प्रीसेट में भी ये बात मेंशन की हुई है, मैं अगर मेरे प्रीसेट में हम जाकर देखें तो मैंने ये बात मेंशन की हुई है कि ये जो प्रीसेट है ना इसमें API की ज़रूरत नहीं है। मैं अपलोड में गया और अपलोड में जाके मैं ये प्रीसेट के नाम पे ना देखो ये अनसाइन मैंने मेंशन किया हुआ है।
अगर मैं इसको साइन कर देता ना, फिर इसमें बगैर की के अपलोड नहीं करने देता ये, लेकिन मैंने अनसाइन रखा हुआ है तो मुझे ये बगैर की के अपलोड करने देगा। अच्छा, तो नाउ इट्स टाइम कि अब हम उसको ज़रा अपलोड करके देखें कि क्या होता है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे करना ये है कि पहले अपने इमेज को क्लाउडनरी पे पहुँचाना है, फिर क्लाउडनरी पे जब ये इमेज वंस अपलोड हो जाएगी तो मुझे जो इसका रिस्पांस मिलेगा, उस रिस्पांस में मुझे क्या मिलेगा, उस इमेज का यूआरएल मिलेगा, राइट। और वो इमेज का यूआरएल मैं क्या करूँगा, अपनी पोस्ट में एक टेक्स्ट है, एक टाइटल है और एक इमेज करके उसमें रखवाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अपलोड के देन के ऊपर मैं फायरबेस वाला काम करवाऊंगा। पहले मैं फायरबेस का काम कैसे डायरेक्ट करवा देता था, तो मैं ये फायरबेस के काम को कट किया मैंने और कट करके इसके देन में ला के रख दिया मैंने। इसके जैसे ही देन में लाया ना, अवेट पे एरर आ गया, क्योंकि इसके देन के अंदर जो फंक्शन है वो एसिंक नहीं है, सही है। तो एसिंक बना दिया मैंने इसको, नो प्रॉब्लम। वैसे इस पूरे देन और इसको भी मैं एसिंक बना सकता हूँ ना, ये जो पुराने तरीके से लिखा हुआ है ना डॉट देन, यानी एक्सियोस में भी एसिंक लगा सकता हूँ मैं अभी, लेकिन फिलहाल हम थोड़ी देर में लगाते हैं, पहले ये अपलोड तो हो जाए हमारा। अच्छा, तो ये वंस ये अपलोड हो जाएगा तो ये क्या मुझे देगा, ये मुझे रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके ना इसको स्क्रीन, यार ये एक्सियोस में रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्यों लगाया हुआ इसमें, चलो वेल अभी इसने लगाया हुआ तो हम करके दे। वैसे तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा करके हम प्रिंट करते हैं एक्सियोस का रिस्पॉन्स, लेकिन शायद ये भी एक तरीका है जो मुझे नहीं पता था, अभी मैंने यहाँ पे देखा है। तो रिस्पॉन्स जो जेसन करके उसने प्रिंट करवाया हुआ, देखते हैं क्या प्रिंट होता है रिस्पॉन्स डॉट जेसन में, हमें भी पता चल जाए। रिफ्रेश किया मैंने, कुछ टाइटल लिखा छोटा मोटा, कुछ उसमें डिस्क्रिप्शन लिखी, प्रोफाइल पिक्चर पे गया, यहाँ पे जाके मैंने एक इमेज सेलेक्ट की, कोई वाहियात सी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं, सही है। इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, इसको कट किया कंसोल ताकि क्लियर हो जाए। पोस्ट का बटन जैसे ही दबाया मैंने तो पोस्ट मेरा फेल हो गया, सही है। क्या इसने बताया भाई कि क्या हो गया मसला, मैसेज रिक्वेस्ट फेल विद स्टेटस 400 रिस्पॉन्स डॉट मैसेज के अंदर डेटा आता है ना मेरा, अपलोड प्रीसेट मस्ट बी स्पेसिफाइड, कह रहे हैं कि मुझे ना अपलोड प्रीसेट पता नहीं चल रहा आपने क्या रखा है, तो ज़रा एक दफ़ा अपने रिक्वेस्ट को हम आके देख लेते हैं। और ज़रा वो कर्ल वाले रिक्वेस्ट को भी देख लेते हैं कि उन्होंने कर्ल में बताया था वो कैसे बताया था। नॉट जी एस में भी है अवेलेबल है ऑप्शन, अरे यार कहाँ चले गए, ये तो शुरू में सब API की वाला दिखा रहा है ना, मैं तो चाहिए अनसाइन। अनसाइन अपलोड ना, ये गलत जगह खड़ा हुआ, अब मैं आया हूँ सही जगह पे। अपलोड अंडरस्कोर प्रीसेट और अनसाइंड वन, सही तो लगाया मैंने। यूआरएल जरा मैच कर लेते हैं एक दफा कि यूआरएल तो नहीं गलत मैंने कर दिया मैंने। इमेज स्लैश अपलोड, सही है, यूआरएल तो ठीक है मेरा। करते हैं इस कर्ल की रिक्वेस्ट को ना जरा एक्सियोस में कन्वर्ट मार के देखते हैं, वो ऑनलाइन छोटे छोटे टूल्स हैं। असल में ये माइनस एक्स का मतलब पता नहीं क्या होता है, कर्ल मैंने पर किसको सेलेक्ट करूंगा तू, हाँ नहीं ना, नॉट जेएस में इन्होंने लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया हुआ है, एक्सियोस नहीं यूज किया हुआ इन्होंने। तो मैं ना ये कर्ल को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम किसी में भी, ठीक है।
कन्वर्ट कर इनटू एग्जॉस्ट। ठीक है, तो ये ज़रा ना लोगों ने कुछ ऑनलाइन कन्वर्टर्स बनाए हुए हैं, जिससे क्या हो जाता है कि कर्ल को आप कमांड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने कर्ल को पेस्ट किया और किस में चाहिए मुझे, मुझे चाहिए जावास्क्रिप्ट में, तो ये फेच में मुझे इसने बना के दे दिया कि भाई फेच में कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, सही है, सही लिखा है मैंने। इसने कहा ये URL है, फाइल का नाम ये sample.jpg और unsigned ये सर्च पैरामीटर्स या क्वेरी पैरामीटर भी बोलते हैं इसको। तो क्वेरी पैरामीटर के अंदर क्या मैंने डाला है, नहीं डाला ये, आई एम काइंड ऑफ स्टक। एक चीज़ ज़रा देख लेते हैं, मुझे लग रहा है कि ये फॉर्म डेटा इसने बॉडी में डाल के भेजा है ना, लेकिन इसको पता नहीं चल रहा है कि ये फॉर्म डेटा जा रहा है, ये समझ रहा है कि जेसन की रिक्वेस्ट जा रही है। तो एक दफ़ा मैं ज़रा यहाँ पे आके ना इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ नेटवर्क्स में, और मैं दोबारा पोस्ट का बटन दबाता हूँ। तो ये जो 400 हुआ है ना, इसका मैं एड्रेस देख लेता हूँ क्या जा रहा है। यही हुआ है ना, एप्लीकेशन जेसन जेसन जा रहा है इसका हेडर, इसका हेडर ये नहीं जाना चाहिए, इसका हेडर जाना चाहिए फॉर्म डेटा। सही है, क्योंकि मैं फॉर्म डेटा की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। तो फॉर्म डेटा के लिए जो हेडर में लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, वो ज़रा मैं अपनी गिटहब में जाता हूँ, एक जगह पे मैंने ये काम किया था रिसेंटली, वहाँ से देख लिया था। सही है, मुझे फॉर्म डेटा में ना ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, हेडर्स में मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा, जब ही इसको पता चलेगा कि ये कौन सा हेडर है, ये हेडर जो है वो वाला है। एक्सियोस रिस्पॉन्स एनी URL डेटा और उसके बाद कॉन्फिग।
अच्छा अब एरर का मैसेज चेंज हुआ है, मतलब अब कुछ प्रोग्रेस हुई है। एरर का मैसेज अब चेंज हो गया, क्या हो गया? अब ये कह रहा है कि जो है ना आपका जो URL आपने दिया ना वो गलत है। ये मुझे पहले ही समझ आ रहा था, जब फॉर्मिक पे मैंने फाइल लगाया ना तो फॉर्मिक मुझे प्रॉपर URL नहीं दे रहा, फॉर्मिक मुझे दे रहा है फेक URL, पता नहीं ऐसे करके दे रहा है। तो मैं ज़रा अलग से देख लेता हूँ कि फॉर्मिक में ये कैसे हैंडल होगा ना, मतलब फॉर्मिक जो फाइल्स को कैसे हैंडल करता है। फॉर्मिक में फाइल इनपुट देख लेते हैं, ज़रा एक नज़र मार लेते हैं उस पर कि वो कैसे है। सेट फाइल फील्ड वैल्यू अवतार दिस दिस दिस। अच्छा जो भी मेरे पास एग्जांपल्स आ रही है ना फॉर्मिक में फाइल के को हैंडल करने के लिए, वो क्लास कंपोनेंट वाली आ रही है। तो फिलहाल हम टाइम बचाने के लिए और अपनी इस एग्जांपल को जल्दी कंप्लीट करने के लिए ये जो लास्ट वाला आइटम है ना इस पर से हम वो हटा देते हैं, क्या कहते हैं आपका जो है ना फॉर्मिक हटा देते हैं हम लास्ट वाले पे से जस्ट थोड़ी देर के लिए। फिर हम अलग से सर्च कर लेंगे कि फॉर्मिक में फाइल कैसे हैंडल होती है, उसको हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, जो लास्ट वाला मेरा फाइल इनपुट है ना इस पर से मैं ऑन चेंज पे से हैंडलर ये वाला हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसके लिए मैं अलग से ज़ाहिर है स्टेट बनाऊंगा अब मैं जब ये नहीं करूंगा तो मैंने कहा भाई एक ऐसा फंक्शन चलाओ और इसमें जो भी आपको इवेंट मिलता है ना, ठीक है, और उसमें से आप क्या करो इवेंट डॉट टारगेट डॉट, और क्या होता है इवेंट डॉट टारगेट कैसे मिलती है फाइल, यहाँ पे अभी मेंशन हुआ पता ना ये अभी तो यहाँ पे किसी ने बोला था कि कैसे हो गए। इवेंट डॉट करंट टारगेट डॉट फाइल जीरो, सही है, ऐसे करके मुझे वो फाइल का ना URL मिल रहा होता है ना। तो मैं उस URL को पहले तो ज़रा यहीं पे कंसोल करवा लेता हूँ। ठीक है, ऑन चेंज के ऊपर अगर ये URL मुझे सही मिल रहा है तो ये कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा उसके ऑन चेंज के ऊपर ना। तो मैंने यहाँ पे कॉन्सोल को क्लियर किया, इस पेज को रिफ़्रेश किया और मैं अब क्या करूँगा, डायरेक्टली क्या करूँगा, फ़ाइल को सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से डायरेक्टली मैंने एक फ़ाइल सेलेक्ट की तो मुझे यहाँ पे उसका URL मिलने के बजाय पूरा वो ऑब्जेक्ट मिल गया, लाइन नंबर 271 पे मिला है ना मुझे, यानी यहाँ पर मिला है। वेल सही है, पूरी फाइल मिल रही है मुझे यहाँ पे एक्चुअली है। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ कि यार एक स्टेट में रखवा दो, और कौन सी स्टेट में रखवा दो, जो स्टेट मैंने अभी बनाई नहीं है। मैंने कहा कि सेट फाइल, ठीक है, और सेट फाइल में मैंने रखवा दिया, सेट फाइल के नाम से स्टेट अभी बनी भी नहीं है, मैं अभी बना लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं फौरी तौर पर अभी एक अलग से स्टेट बना रहा हूँ, अदरवाइज इसको भी मैं फॉर्मिक के ज़रिए ही हैंडल करूँगा। ठीक है, तो एक ऊपर बना देता हूँ मैं जो मेरी स्टेट्स जहाँ पे सारी बनी हुई हैं, यहाँ पे मैं जाता हूँ
और मैं कह देता हूँ कि भाई सेट फाइल और फाइल, और इसको शुरू में रखवा देता हूँ मैं नल, राइट, शुरू में इसको मैंने नल रखवा दिया, दैट्स इट। अब ये जो फाइल है ना, इसमें जब मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा तो इस फाइल में मुझे वो वाली फाइल ऑटोमेटिकली मिल रही होगी, ठीक है। तो मैं जो क्लाउडनरी पे जो डेटा भेज रहा हूँ उस पर मैं अलग से स्टेट मुझे बनानी पड़ी है फाइल के लिए वक्ती तौर पर। अब ज़रा ट्राई करते हैं अपलोड होता है कि नहीं होता। ठीक है जी, ये फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली और मैं अपलोड का बटन दबाता हूँ। अच्छा, फाइल अपलोड हो गई, लेकिन वो रिस्पॉन्स डॉट जेसन जो उसने किया हुआ था ना, वो ज़ाहिर है वो गलत कोड था। रिस्पॉन्स डॉट जेसन कोई चीज़ नहीं है इसमें ना, रिस्पॉन्स डॉट डेटा है, सही है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन इसमें नहीं होता, ठीक है। एक्सियोस के अंदर हम रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो लिखते थे उसी तरह मैंने किया है वापस, क्योंकि वो कह रहा था भाई वो तो कोई है ही नहीं, और मैं दोबारा पोस्ट का बटन दबाता हूँ, ठीक है। तो मेरी फाइल यहाँ पे इस पॉइंट पे अपलोड हो चुकी है, और मुझे यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आया है क्लाउडनरी से, वहाँ पे मुझे क्या मिल गया है, वहाँ पे मुझे मेरी इमेज का यूआरएल मिल गया है, ठीक है। और इस इमेज के यूआरएल को अगर मैं कॉपी कर लूँ, और कॉपी करके इसको मैं मे बी अगर अलग टैब में खोल के देखना चाहूँ, ठीक है, तो असल में स्ट्रिंग भी कॉपी हो गया। तो ये मेरी वो फाइल है जो मैंने अपलोड की थी, वो अपलोड हो चुकी है। अच्छा, कैसे मुझे मिल रहा है इसका, सिक्योर यूआरएल के नाम से मुझे इसका वो यूआरएल मिल रहा है क्लाउडनरी पे, जो भी मैंने भेजा है उसका यूआरएल। अच्छा यार, मुझे दो मिल रहा है, एक सिक्योर यूआरएल एक सेफ यूआरएल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, वो एक्चुअल में कुछ भी इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने जो अपलोड किया है वो अनसाइन अपलोड किया है, तो वो असल में अनसाइन अपलोड ही है दोनों के दोनों, ठीक है। मैं दोनों को ज़रा ये ओपन करके देख लेता हूँ एक एक दफ़ा, एक सिक्योर यूआरएल और एक बग़ैर सिक्योर वाला। तो दोनों का यूआरएल असल में सेम है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों के यूआरएल में, ठीक है। तो अब मैंने अगला काम ये करना है कि मेरे पास जो यहाँ से यूआरएल मिला है मुझे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूआरएल, उसको मैंने कहाँ रखवा देना है? प्रोफाइल पिक्चर तो नहीं इसमें, मेरी पोस्ट है ना, ये पोस्ट में आईएमजी रख देता हूँ मैं। प्रोफाइल पिक्चर पता नहीं क्यों लिख रहा था मैं, हालांकि मैं पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, और मैंने कहा कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट और यूआरएल, और इसके साथ मैं क्या लगा देता हूँ, क्योंकि ये जो बात लिख रहा हूँ मैं ये API से आ रही है, तो इसमें मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड नलिश ऑपरेटर। कि अगर मिसाल के तौर पे ये URL मुझे नहीं मिला किसी दफ़ा, तो ये कोड मेरा ब्रेक नहीं होगा इसकी वजह से, यहाँ पे अनडिफाइन चला जाएगा कोड मेरा ब्रेक। वैसे तो असूलन ये होगा कि मैं शुरू में ही इफ़ लगा दूंगा, मैं कहूँगा भाई अगर URL नहीं मिला है ना, अपलोड अगर शो कर रहा है वो कोई सक्सेसफुल भी और नॉट URL है, तो मैं वही रुकवा दूंगा इसको, मैं कहूँगा यार अपलोड सही हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन जस्ट इन केस स्टिल वो इफ़ लगाने के बाद भी ना, मैं यहाँ पे नलिश ऑपरेटर लगाऊंगा, क्योंकि ये डेटा सर्वर से आ रहा है, API से आ रहा है, ये कभी मुख्तलिफ भी आ सकता है, इससे हो सकता है API आगे से चेंज हो जाए कभी बगैर बताए, वैसे तो करते ही नहीं है बगैर बताए, लेकिन हो भी सकता है। तो हमारा कोड ब्रेक ना होना शुरू हो जाए, मिसाल के तौर पर कल को कंपनी बंद हो जाए क्लाउडनरी, और किसी और के हाथ में चला जाए, वो बगैर बताए कोई चेंजेस कर दे, तो आपका बिज़नेस उनके बिज़नेस हर्ट होने की वजह से आपका बिज़नेस हर्ट ना हो, तो इसलिए हम ये नलिश ऑपरेटर इसमें लगाएंगे। अच्छा, तो अब हम ज़रा ये चलाते हैं, अब इसको इमेज, अब मैंने क्या कर दिया है, ऐसी सेटिंग कर दी है कि इमेज अब अपलोड होगी, और डेटाबेस में जब मेरा पोस्ट जाके सेट हो रही होगी, तो उसमें टेक्स्ट टाइटल और साथ में अब इमेज का यूआरएल भी जा रहा होगा। तो अब ज़रा इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं पेज को, और पेज को रिफ़्रेश करने के बाद, अच्छा मैं क्लाउडनरी पे जाके देख तो लूँ ज़रा वो अपलोड हो कहाँ पे रहा है। मीडिया लाइब्रेरी में गया, और मीडिया लाइब्रेरी में जाने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर होगा, फोल्डर कहाँ है यहाँ पे, नहीं वो तो सामने ही अपलोड, मैंने तो बोला था फोल्डर में अपलोड होगा, फिर फोल्डर में नहीं अपलोड किया उसने, ओके गॉट इट।
ये फोल्डर में बता रहा है कि इस फोल्डर में होगा, लेकिन मेरा जो व्यू है ना वो कुछ शायद फोल्डर वाला व्यू नहीं किया हुआ मैंने। वेल अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या किया है। लोकेशन बहरहाल ये बता रहे हैं कि भाई ये फोल्डर है, ठीक है चलो सही है, शायद मुझे अभी इसको यूज़ करना नहीं आ रहा। अच्छा क्लाउडनरी मैंने भी इतना यूज़ किया नहीं है, मतलब बहुत ही कम यूज़ किया है, और किया भी है तो वो बैकएंड से किया है तो वहाँ पे लाइब्रेरी के ज़रिए होता है, ऑथेंटिकेटेड होता है, तो वो थोड़ा मामला डिफरेंट होता है। ये फ्रंट एंड से इसको हम ज़बरदस्ती यूज़ कर रहे हैं, मतलब ज़बरदस्ती तो नहीं उन्होंने अलाउ किया है, लेकिन आमतौर पर फ्रंट एंड पर सिर्फ उसका URL लिखा जाता है कि भाई URL है इसमें मैनिपुलेट करो लिख दो, ये होता है आमतौर पर। ठीक है जी, तो वेल वो क्लाउडनरी पे पहुंच रहा है और फोल्डर भी उसको पता है कि हाँ मैं किस फोल्डर में हूँ। वो फोल्डर हमें खोलना नहीं आ रहा कि वो खुलेगा कैसे। रिफ्रेश कर लेते हैं इस पेज को और मैं कहता हूँ कि यार अच्छा ये तमाम पहले की जो पोस्ट है उसको डिलीट भी कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ यार हमारे पास जो पोस्ट है वो ये वाली है। मैंने कहा यार टाइटल जो है ना मेरा ये है प्रोफाइल पोस्ट है ये मे बी जस्ट, और कुछ इसका ये टेक्स्ट है, और सेलेक्शन में आके मैं क्या करता हूँ यहाँ से ये वाली फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। सही है, ये वाली फ़ोटो मैं अपलोड कर रहा हूँ। पोस्ट का बटन दबाया, अपलोड हो रहा है अभी ये, और ये अपलोड हो गया। ये जो फायरबेस में पहुँचा है ना पोस्ट मेरी, इसको अगर हम खोल कर देखें तो अब मेरे पास क्या आ रहा है, टेक्स्ट टाइटल और साथ में इमेज भी आ रहा है। इस इमेज को मैंने अभी स्क्रीन पर प्रिंट नहीं करवाया एक्चुअली, तो करवा देते हैं स्क्रीन पे प्रिंट। कैसे होगा, नीचे जाता हूँ मैं जहाँ पे ये मैप चल रहा है मेरा, ये जो डेट है इसके बाद करवा देता हूँ। सही है, डेट जहाँ पे बनी भी आ रही है इसके बाद मैंने लिखा IMG, और IMG में सोर्स में क्या लिखूँगा, मैं सोर्स में लिखूँगा कि ईच पोस्ट डॉट क्वेश्चन मार्क डॉट IMG। सही है, देखते हैं अब क्या होता है। डिस्प्ले हो गई पिक्चर, सही है। एक और पोस्ट कर लेते हैं जल्दी से हम यहाँ पे, और चूज़ फाइल में करके मैं लिख देता हूँ भाई मेरी प्रोफाइल पिक्चर उठाओ, ये मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट कर ली और पोस्ट का बटन दबा दिया तो ये पोस्ट हो गया। सही है भाई, पोस्ट हो गई पिक्चर। अब इसमें ना अभी बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, मिसाल के तौर पे इसमें फ़ोटो पे वैलिडेशंस नहीं लगी हुई, फ़ोटो सही तरह डिस्प्ले नहीं हुई हुई, CSS नहीं लगा हुआ, बहुत सारी चीज़ें इसमें कम है। इसी तरह जैसे प्रोफाइल पिक्चर को मैंने किस पे हैंडल किया हुआ है, अलग से स्टेट बनाई है, फॉर्मिक के ज़रिए नहीं हैंडल किया हुआ। तो आपने इसको बनाना है, कोशिश करना है कि ये सारी चीज़ें आप कर लें। मैं अभी ये चीज़ें कर सकता हूँ लेकिन स्टिल हमारे पास टाइम ना 15 मिनट ऊपर आ गए, तो अब फॉर्मिक में फ़ोटोज़ को कैसे हैंडल करना है वो हमें देखना पड़ेगा फॉर्मिक के डॉक्यूमेंट्स कि वो कैसे बता रहे हैं, और फिर उसको हमें वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मे बी हम नेक्स्ट क्लास में शायद ये कर पाएँ, मे बी आप अगर ख़ुद से ही उसको सर्च कर लें, क्योंकि जो मैं आपके सामने ये किया ना मैंने डॉक्यूमेंट से देख के किया है, मैंने ये काम फर्स्ट टाइम किया है जो ब्राउज़र से अपलोड करते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट से देख के किया है, आप भी डॉक्यूमेंट से देख के कर सकते हैं। इस तरह की जो लाइब्रेरीज़ हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आते और जाते रहते हैं, तो बहुत सारी लाइब्रेरीज़ आप ज़िंदगी में ऐसी भी यूज़ करेंगे जो आप पहली दफ़ा यूज़ कर रहे होंगे, तो वो आपने डॉक्यूमेंट से देख के ही करना है, तो उसकी भी आप आदत डालें अभी से। तो आपने क्या करना है, जो फ़ोटो है उसको भी फॉर्मिक से हैंडल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसे होता है वो, ठीक है। थोड़ी CSS वगैरह लगा के इसको, और पहले ही आप लोग रिएक्ट वाली स्क्रीन बना चुके हैं, रिएक्ट पे फेसबुक वाली स्क्रीन या ट्विटर वाली सब लोगों ने अलग अलग बनाई थी, तो उस तरह की स्क्रीन आप पहले से बना चुके हैं, तो उसी स्क्रीन पे आपने ये सारा कोड फीड करना है और एक वर्किंग रिएक्ट की ऐप आपको बनानी है जो फेसबुक की तरह चल रही हो। अच्छा ये आपने बना लिया ना, तो आपने क्या क्या बना लिया, फेसबुक ट्विटर OLX सब में तो यही हो रहा है ना, आप कुछ लिखते हैं पिक्चर्स, आप अभी इसमें एक पिक्चर है, आप 6, 7, 10, 12 जितनी भी चाहें अपलोड कर दें पिक्चर, कोई मसला थोड़ी है। तो OLX पे यही तो हो रहा है, OLX पे, दराज पे, Amazon पे, सब पे यही हो रहा है, तो ये सब ऐप आपकी बन गई एक तरह से, अगर आपने ये बना लिया और ये कोड आपके समझ आ गया। जी हाँ जी जी,
अच्छा आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। इन्होंने पूछा कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में बल्कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये ऑप्शन होता है कि हम इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं बेस 64 जो कहलाता है, और बेस 64 के अलावा भी कुछ टेक्स्ट के फॉर्मेट्स हैं, तो वो इमेज क्या होती है टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या हम उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके अगर डेटाबेस में डायरेक्टली सेव करवा दें तो ये कैसा है, क्या ये करना सही है? अच्छा ऐसा हम कभी भी नहीं करते। हमारे पास ऑप्शन है, कर सकते हैं, इमरजेंसी में शायद कर भी लें, लेकिन हम करते नहीं हैं। रीजंस उसके क्या है? नंबर एक, जब किसी भी इमेज को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसका साइज़ 4 डबल हो जाता है, पहली बात। क्योंकि अगर कोई इमेज 10 KB की है ना, तो वो जब बेस 64 में कन्वर्ट होगी तो वो बहुत बड़ा साइज़ हो जाता है उसका, क्योंकि स्ट्रिंग जो है जावास्क्रिप्ट में वो 2 byte लेता है पर कैरेक्टर, ठीक है। ऑन अदर हैंड जो पिक्सल होता है वो इतना नहीं लेता। पिक्सल में 3 कलर होते हैं ना, एक पिक्सल कितनी कितना बाइट लेता है मेमोरी में बता सकता है कोई? हर जो एक JPG इमेज में एक पिक्सल जो होता है वो क्या होता है? वो 3 integer नंबर्स होते हैं, 0 to 255 का 3 नंबर होते हैं एक पिक्सल में, जो हम कलर भी लिखते हैं ना यहाँ पे, RGB लिखते हैं हम, CSS में भी अगर यहाँ पे CSS है ना तो वो दिख जाएगा हमें। जैसे CSS में गया, अब ये ब्लैक है ना, इस पर ब्लैक पे हाथ रख के मैं कुछ और सेलेक्ट करूँगा ना, ये देख रहे हो ये 1 pixel है, इसमें 1, 2, 3 नंबर्स हैं, और ये नंबर कहाँ से कहाँ तक के होते हैं? 0 to 255 तक के। तो 255 का मतलब 1 byte, तो 1 byte 1 byte 1 byte यानी 3 byte का 1 pixel होता है JPG इमेज के अंदर, ठीक है। अब यही चीज़ अगर कन्वर्ट होती है ना टेक्स्ट के अंदर, तो ये 255 को टेक्स्ट में जब लिखते हैं ना वो, तो ये एक कैरेक्टर बनता है, ये 2 byte ले लेता है, फिर ये दूसरा भी 2 byte ले लेगा, तीसरा भी 2 byte ले लेगा। यानी थियोरेटिकल बात कर रहा हूँ अभी मैं, प्रैक्टिकल में वो पता नहीं और क्या क्या चीज़ें सेव करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो 2 byte तो लेगा एक कैरेक्टर अगर कर रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, वो हर पिक्सल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने साइज़ बड़ा हो जाता है। अच्छा जब ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट होता है ना, जब वो मिलियन कैरेक्टर से भी आगे निकल जाता है, अगर 2 MB की इमेज है वो मिलियन कैरेक्टर क्रॉस कर जाएगा, आपका VS कोड भी पागल हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता ये हुआ क्या, उसमें वैलिडेशन वगैरह सब देना बंद कर देगा, बिल्कुल कलर ब्लैक कर देगा हर चीज़ का, पता नहीं क्या कर देगा वो, तो वो बहुत इनकन्वीनियंस होता है। फिर जब आप उस कोड को ओपन करेंगे वो खुलने में बहुत टाइम लेगा कोड, तो कहीं पर भी उसको ना इस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता, और उसका रीज़न ये कोई उसको यूज़ नहीं करता। दूसरी बात, एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये कि चले इन सब चीज़ों को अगर आपने ओवरकम भी कर लिया, वी एस कोड में आपने कोई एक्सटेंशन खुद ही लिख लिया अच्छा सा कि उसको सपोर्ट कर लिया, सब कुछ सेट हो गया, डेटाबेस की जो स्टोरेज होती है ना वो एक्सपेंसिव है। मिसाल के तौर पे ये हमें दे रहा है 10 MB की पर फाइल लिमिट है इसकी, ऑलमोस्ट फ्री है। एक और स्टोरेज है फायरबेस स्टोरेज, AWS में S3 स्टोरेज है, वो आपको 10-10 GB 5-5 GB फ्री में दे देता है, लेकिन डेटाबेस आपको 500 MB मिला है, 1 GB भी पूरा नहीं मिला। और डेटाबेस की प्राइसिंग अगर आप देखें तो डेटाबेस की प्राइसिंग में और इसकी प्राइसिंग में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। स्टोरेज बकेट में पर GB ना आपको वो कुछ सेंट लेता है, 2 या 3 cents 5 cents लेता है पर GB, यानी 100 GB अगर आपके हो गए ना तो 50 cents 100 cents या $2-3 पर अगर 100 GB। अभी जो गूगल ड्राइव के 100 GB का प्लान है वो कितने का है पता नहीं, $2-3 का है। ऑन अदर एंड जो MongoDB का स्टोरेज है ना, अगर वो आप लेंगे ना 100 GB का, तो वो आपको पता नहीं $1,00,000 चार्ज कर लेगा 1 GB का, 100 GB का अगर स्टोरेज लेते हैं। तो डेटाबेस की जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू बाइनरी फाइल जब आपने रखनी है। तो उस स्टोरेज को आप इस तरह से ज़ाया नहीं करते अपनी इमेजेस को उसमें रखवा के ना, उससे ये होगा कि फिर अल्टीमेटली आपका डेटाबेस फुल होता रहेगा बहुत जल्दी जल्दी, आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। तो हम कोशिश करते हैं कि डेटाबेस में, अच्छा डेटाबेस में फिर कौन सा डेटा रखना चाहिए? डेटाबेस में वो डेटा हमें रखना चाहिए जिस पे हमें क्वेरी रन करनी है, जिस पे हमें क्वेरी चलानी है, वो डेटा हम रखते हैं डेटाबेस के अंदर। मिसाल के तौर पे कि जैसे स्टूडेंट इनरोल हो रहे हैं, तो अब भाई 10,000 स्टूडेंट इनरोल हो गए, अब मुझे ज़रूरत पड़ सकती है कि मैं रोल नंबर 346 वाले को मैं निकाल के लाना चाह रहा हूँ, तो ये क्वेरी जिस डेटा पे रन होती है ना वो हमें डेटाबेस में रखना चाहिए, अदरवाइज हमें डेटाबेस में रखना ही नहीं चाहिए। इसी तरीके से जैसे यूज़र नंबर 2506 एक ये यूज़र की आईडी थी, इस यूज़र की मुझे प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, तो उस यूज़र का पूरा प्रोफाइल जब मैं उठा के लाऊंगा, उसकी एज, उसकी प्रोफाइल पिक्चर का URL, ये सब चीज़ें वहाँ पे होंगी मेरे पास, लेकिन वो URL के अगेंस्ट जो एक्चुअल फाइल है वो कहाँ होगी? बकेट में होगी, वो डेटाबेस में नहीं होगी। URL का जो साइज़ है वो 20-25 कैरेक्टर 50 कैरेक्टर होता है,
तो 50 कैरेक्टर का मतलब है कि 2 बाइट से मल्टीप्लाई करो 100 बाइट, तो 100 बाइट वो स्टिल ले रहा है। तो URL को भी कुछ लोग क्या करते हैं, उसको शॉर्ट कर देते हैं URL को ना, मिसाल के तौर पर बीच में प्रॉक्सी सर्वर सेटअप कर देते हैं, जो आपका URL होता है यहाँ पे वो क्या होता है, वो शॉर्ट होता है, और अब बीच में प्रॉक्सी लगा के फिर वो एक्चुअल URL आगे सेव करता है। इस तरह भी डेटाबेस को सेव किया जाता है, डेटा को सेव किया जाता है। क्लाउडनरी में भी मे भी कोई ऑप्शन होगा शॉर्ट URL जनरेट करने का, ठीक है। गूगल की भी एक सर्विस है जो URL को शॉर्ट कर देती है आपके, तो उससे क्या होता है URL का साइज़ छोटा होता है, तो वो जैसे ट्विटर वगैरह पे आपको पोस्ट करनी है तो उसमें बड़ा URL नहीं पोस्ट कर सकते आप, छोटा करना पड़ता है। तो शॉर्ट करने की भी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज, बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसके ज़रिए हम ये जो लंबा URL आया ना अभी हमारे पास जो सेव है, अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल के देखूं तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा इसका साइज़ है इस URL का। ये मैं पोस्ट खोलता हूँ, मेरे पास 2 पोस्ट हैं इस वक्त, नंबर 1 ये और नंबर 2 ये। तो यहाँ पर जो ये देखो res.cloudnary करके ये आया हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ। देख रहे हो तकरीबन 50 कैरेक्टर्स हैं ये, तो इसको भी शॉर्ट करने की ट्रिक्स हैं। लेकिन खैर अभी फ़िलहाल के लिए हमें इसको शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 500 MB का डेटाबेस, इतना बड़ा डेटाबेस है कि इस तरह के URL अगर आप मिलियन भी रखें ना तो भी भरेगा नहीं। जी दोस्त, वो बस एक API होती है, आप उस पर भेजते हैं URL, आप कहते हैं यार शॉर्ट वाला दे दो बस। हाँ, वो डिपेंड करता है आपकी सर्विस कौन सी ली है आपने। मैंने यूज़ नहीं किया कभी, है लेकिन मौजूद है। समटाइम ये भी करते हैं हम, एक दूसरा डेटाबेस बना लेते हैं अलग से, उसमें सिर्फ वो URL की डायरेक्टरी होती है, हर URL को एक ID दे देते हैं, और प्रोफाइल पिक्चर की जगह हम वो ID रखवा देते हैं, URL रखवाते ही नहीं है। लेकिन फिर उसके ये डेटाबेस तो बचता है इससे आपका, लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है ना, फिर आपका लेटेंसी बढ़ती है। मतलब एक बंदा अगर प्रोफाइल अपनी गेट करता है तो फिर वो क्या होगा कि पहले उसका डेटाबेस से मेन प्रोफाइल गेट होगा, वहाँ पे एक ID होगी इमेज की, उस ID के ज़रिए फिर एक दूसरे डेटाबेस से URL गेट होगा, और फिर उस URL से बकेट से एक्चुअल इमेज गेट होगी। लेकिन ये चीज़ बेयर करते हैं बहुत सारी जगहों पे, हम बेयर इसलिए करते हैं कि अपनी प्रोफाइल कोई बंदा कितनी बार खोलेगा इस पर ये डिपेंड करता है। अपनी प्रोफाइल कोई बंदा कितनी बार खोलेगा इस पर, मिसाल के तौर पर facebook.com है, facebook.com पे अपनी प्रोफाइल आप बहुत कम खोलते हैं एज़ कम्पेयर टू जो फीड देखते हैं आप, न्यूज़ फीड जो आप देख रहे होते हैं उसके एज़ कम्पेयर टू अपनी प्रोफाइल आप नस्बतन कम खोलते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, मिसाल के तौर पे फेसबुक पे अपना प्रोफाइल नेम या प्रोफाइल पिक्चर आप कितना, हाउ ऑफन डू यू चेंज योर प्रोफाइल नेम। नेम तो कभी भी चेंज नहीं करते आप, इवन फेसबुक ने लिमिट भी लगाई हुई है कि वो नेम आप 2-3 बार चेंज करें तो वो रोक देता है फिर आपको, एक बार में ही रोक देता है, बल्कि 90 दिन के लिए कहता है बस हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि हाउ ऑफन यूज़र गोना गेट दैट डेटा। अगर तो वो दिन में 10 बार गेट करेगा फिर हम ये हरकत नहीं कर सकते, फिर वो लेटेंसी बढ़ेगी, यूज़र तंग होगा, बोलेगा यार ये तो क्या सीन है, बार बार टाइम लगता है। लेकिन अगर 2 महीने में एक बार खोलता है तो फिर सही है, 2 महीने में एक बार खोलेगा तो शायद 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा वेट करना भी उसके लिए कोई मसला नहीं है। तो ये डिपेंड करता है। अभी ये जैसे फेसबुक अब नाम आपको क्यों नहीं चेंज करने देता, नाम आपको इसलिए नहीं चेंज करने देता कि वो हर पोस्ट के साथ नाम आपका रख के भेजता है। आपने ज़िंदगी में जितनी पोस्ट की है ना, जो डेटाबेस में एक एक पोस्ट आपकी सेव है, उस पोस्ट में आपका नाम अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। इसका एक अच्छा सा नाम होता है, मैं भूल रहा हूँ, डीनॉर्मलाइजेशन, इसको डीनॉर्मलाइज करते हैं, यानी नॉर्मलाइजेशन का अपोजिट करते हैं कि आपका जो नाम है एक तो प्रोफाइल में सेव है। अब ये डेटाबेस हमने अभी पढ़ा नहीं है, जब MongoDB पढ़ेंगे तो शायद ये टॉपिक उस वक्त हम डिस्कस कर पाएँ। तो वो डीनॉर्मलाइज करते हैं, अपोजिट करते हैं, यानी आपके नाम को मुख्तलिफ जगह पे सेव करते हैं। आमतौर पे ये नहीं होता, आमतौर पे SQL डेटाबेस में ये होता है कि आपकी प्रोफाइल एक होती है और आपकी ID लगी हुई होती है कहाँ पे, हर पोस्ट के साथ, कि ये किस बंदे ने की है पोस्ट। तो जब पोस्ट गेट करते हैं तो उस ID से पूरी प्रोफाइल भी गेट कर लेते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 2 क्वेरी चल रही है डेटाबेस में, एक पोस्ट गेट करने के लिए, एक प्रोफाइल गेट करने के लिए। तो डीनॉर्मलाइज करने से क्या होता है, अच्छा इसमें बचा क्या, इसमें बचती है स्टोरेज आपकी, क्योंकि पोस्ट के अंदर बंदे की प्रोफाइल नहीं है तो पोस्ट का साइज़ थोड़ा छोटा है। लेकिन इसका डाउन साइड ये कि 2 क्वेरी चल रही है, एक पोस्ट गेट करने के लिए, एक प्रोफाइल गेट करने के लिए। तो क्वेरी 2 चल रही है, स्टोरेज बच रहा है। एक ज़माने में स्टोरेज मीडियम बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे, उस ज़माने में ये टेक्निक यूज़ होती थी, अभी भी होती है SQL डेटाबेस में, अभी भी ये स्टैंडर्ड है। NoSQL के अंदर अपोजिट होता है, क्योंकि अब स्टोरेज मीडियम उस तरह से एक्सपेंसिव नहीं रहे,
पहले तो 10 GB की हार्ड ड्राइव किसी के पास होती थी तो बादशाह होता था वो, कि 10 GB की हार्ड ड्राइव है इसके पास, क्योंकि फ्लॉपी तो वो KBs में MBs में होती थी, तो 10 GB की ड्राइव होना बहुत बड़ी बात थी। अभी तो 2-4 TB की तो पोर्टेबल होती हैं लोगों की जेब में, USBs आ गई हैं तो 2-4 TB तक की हो गई है, ठीक है। 1 TB की जो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है वो बहुत नॉर्मली आपको अवेलेबल है, आपको गली मोहल्ले की दुकान में ही मिल जाएगी, तो उस तरह से शायद अब महंगी नहीं रही इतनी। तो अब फेसबुक या इस तरह के जो दूसरे जो जायंट्स हैं, अब वो ये करते हैं डीनॉर्मलाइज करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो कहते हैं हर पोस्ट में ना बंदे की प्रोफाइल पिक्चर का URL और बंदे का नाम और सब चीज़ें रख दो जो मुझे पोस्ट के साथ दिखानी है। अब इससे डाउन साइड क्या है इसका? इसका डाउन साइड तो ये है कि पोस्ट का साइज़ बढ़ गया, हर पोस्ट के साथ नाम लिखा हुआ है, बढ़ गया साइज़ पोस्ट का। लेकिन अच्छा इसका साइड ये है कि एक क्वेरी में सिर्फ पोस्ट गेट होगी, अलग से प्रोफाइल गेट नहीं होगी, उसी में नाम वाम सब साथ में आएगा। आपकी 200 पोस्ट है ना, तो 200 पोस्ट में 200 दफ़ा आपका नाम अलग अलग लिखा हुआ है, स्टोरेज ज़ाया हो रहा है लेकिन क्वेरी स्पीड बढ़ रही है, क्वेरी सिंगल चलेगी सारा डेटा आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके क्या यूज़ केस है। अच्छा, फिर अब मसला कहाँ पर है इसमें? इसमें मसला, मेन मसला ये है कि जब आप अपना नाम चेंज करेंगे, मेन मसला वहाँ पे आएगा जब आप अपना प्रोफाइल का नाम चेंज करेंगे। तो करना ये होगा, आपने ज़िंदगी में अगर 2000 पोस्ट की है या 2,00,000 पोस्ट की है, उस सब में जाके आपका नाम चेंज होगा, ये तो बड़ा मसला है। लेकिन डिपेंड करता है कि हाउ ऑफन डू यू चेंज योर नेम, 6 महीने में एक बार? नहीं, शायद ज़िंदगी में एक ही बार नाम चेंज करता है बंदा। अच्छा, कोई अगर ज़्यादा जल्दी जल्दी कर रहा है तो करने ही नहीं दो उसको, करने ही नहीं दो, प्रोफाइल ब्लॉक मार दो उसकी, कि नाम क्यों चेंज कर रहा है भाई, नाम चेंज करने की क्या ज़रूरत है। इसी तरह प्रोफाइल पिक्चर जब आप चेंज करते हैं तो भी क्या होता है, अब जितनी पोस्ट की है आपने ज़िंदगी में उसमें सब में जाके अलग-अलग वो चेंज होती है। या इसके लिए अब फेसबुक वाले ये ट्रिक करते हैं कि वो URL फिक्स किया हुआ है उन्होंने, वो पीछे स्टोरेज बकेट में आपकी प्रोफाइल चेंज कर देते हैं, URL फिक्स रहता है, तो वो आपको आप जितना जल्दी जल्दी भी करें तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक ही फिक्स URL है, उसी पे आपका वो प्रोफाइल पिक्चर आ रही होती है, पीछे स्टोरेज बकेट में पुराना डाल के नहीं रख देते। तो समझ रहे हो, अब नाम इसलिए नहीं वो आपको चेंज करने देता। तो उन्होंने बोला यार नाम चेंज करता है बंदा कोई मसला नहीं है, नाम चेंज करने दो, हम उसको ज़्यादा चेंज करने नहीं देंगे, 6 महीने में एक बार करने देंगे। लेकिन जब भी आप नाम चेंज करेंगे वो तमाम पोस्ट में जाएगा, पूरे डेटाबेस में, तो एक लंबा ट्रांजेक्शन चलेगा, अच्छी खासी रिसोर्स यूटिलाइज होगी, लेकिन वो आपकी तमाम पोस्ट में और जहाँ जहाँ ग्रुप में आपने शेयर किया होगा वो पोस्ट, और जहाँ जहाँ आप किसी दूसरे व्हाट्सएप में इधर उधर शेयर हुआ होगा वो सब जगह चेंज होता है, बहुत सारी जगहों पे चेंज होता है, लेकिन नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो होगा 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार वेरिएबल है। लेकिन अगर इमेजिन करें रोज़ शाम को अगर बंदा नाम अपना चेंज करे तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो नाम चेंज होगा 15 मिनट में जाके, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, डेटाबेस बिजी है, पूरा सिस्टम स्लो हो जाएगा उसकी वजह से, ठीक है। तो केस टू केस हमारी ना बहुत सारी चीज़ें वैरी कर रही होती हैं। वेल, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी अगली क्लास में। इतना कोड जो मैंने लिखवाया है आई होप कि ये आप अपने हाथ से लिख लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है उसमें सवाल पूछिएगा, अगर उस पर भी नहीं आया तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपके सवाल को ले लेंगे। हाँ हाँ, अभी अपलोड करते हैं।